All right, Hare Krishna to everyone. We will start with the kirtan. Iske baad, after the prayers, we will start the class. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Trishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhesham 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 Jaya Radhesham Jaya Vrindavanadham 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 Jaya Vrindavanadham
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radha Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानद्विरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साघजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ साथ श्रीमद भगवद गीता की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि कृष्णा डियर डिवोटीज। वेलकम बैक टू येट अनदर चैप्टर फ्रॉम श्रीमद भगवद गीता। इस्कॉन कुकर पल्ली हार्टली वेलकम्स यू फॉर टुडेज क्लास। इट्स ऑलरेडी 7 सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द रिवीजन। कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? तीन नाम लिए थे मैंने। यस अर्चना माता जी यस प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा बोलिए माता जी। म्यूट है आप? यू आर म्यूटेड। म्यूटेड अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले आपने ये बताया कि कृष्ण जो है वो... मैंने नहीं बताया। हमारे लिए तो आप ही गुरु, आपने बताया गीता। हम पहली बार आपसे ही सुन रहे हैं ना माता जी। ओके तो कल ये रहता है कि हाँ कि अर्जुन को बहुत प्राउड फील करते हैं मन में कि कृष्ण जी वो मेरे मित्र हैं, लेकिन वो उनको ऐसा नहीं समझती कि वो मेरे सारथी है लाइक ड्राइवर। और वो ये फील करते हैं वो, और ये मन ही मन मान भी लेते हैं, उनको पता रहता है कि ये भगवान है, भले ही ये मेरे मित्र है लेकिन ये भगवान है। तो वो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं इस कैपेबल हूँ तो आप मुझे एक बार आप रिपीट कीजिए। आपने स्टार्टिंग में क्या बोला? सारथी का मुझे नहीं सुनाई दिया। हाँ वो अर्जुन बोलते हैं कि वो कृष्ण को मतलब अपना सारथी नहीं समझते, वो जानते हैं कि हमारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी उनको ये पता कि वो भगवान है। तो वो भगवान के रूप में जानकर उनको रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो विशाल रूप है वो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उस लायक हूँ, उस कैपेबल हूँ और आपकी इच्छा हो तो आप मुझे आपके विश्व रूप का दर्शन दीजिए। और उसके बाद में कृष्ण उनको ऐसी पावर देते हैं कि वो उनको देख सके, क्योंकि ऐसा विश्वरूप उन्होंने पहले एक तो दुर्योधन को भी दिखाया था। और जब बाल कृष्ण रूप में यशोदा माता को भी जब वो मट्टी खा लेते तब उनके मुंह में देखने जाती है वो माता, तब उनको भी दिखाया था। और एक आपने ये बताया था कि लोटस से भी कृष्ण भगवान की अपन ने वो की थी कि जैसे लोटस बहुत सुंदर है वैसे ही कृष्ण भगवान की भी आपने उनके बारे में बताया। That's why we say lotus feet, lotus eyes, lotus feet, hands, yes, lotus fingers. Yes. हम उनको compare करते हैं। Actually comparison नहीं है, but try करते हैं कि compare कर सके कुछ ऐसे beautiful चीज़ से like that. Yes. Next. बस उतना है? Alright. Okay. Thank you. Hare Krishna. और बोलिए.
आपके प्रभु बोलना चाहते हैं तो ही कैन आल्सो स्पीक, नॉट अ प्रॉब्लम. यस, यू वांट टू से बोल ना, बोल 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 बोल. नहीं कुछ नहीं, बोल बोल. हरे कृष्णा. नहीं कुछ नहीं, वो लोग विष्णु के रूप में जो विशाल रूप रहता है ऐसे आते हुए जाते हुए उसमें आते हुए जाते हुए दिखते हैं, मतलब उनके प्राण आ भी रहे और जा भी रहे हैं. यस, सो दैट इज वन थिंग एक्चुअली. यस, थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. यस, थैंक यू. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आशीष प्रभु, आशीष राजपूत प्रभु. यस, हरे कृष्णा प्लीज. हरे कृष्णा माता जी. यस, आगे आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं आज, लाइक दिस इज फर्स्ट टाइम? नहीं माता जी, पहले बोले हैं जी. ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन. तो माता जी, जैसे आगे हम लोग ने जाना था कि अर्जुन जी भयभीत हो जाते हैं जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और उसके बाद उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि अब हमें अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, और फिर भगवान ने भी बताया कि इसके चतुर्भुज मेरा रूप देखने के लिए बहुत ही दुर्लभ देवी देवता भी उसे देखना चाहते हैं. जब उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं तो उसी टाइम उन्हें ये भी बताते हैं कि ये जो आप अभी भयभीत हो रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को कैसे मारेंगे, तो बताते हैं कि उन लोगों ने जो पाप किए हैं इसके लिए पहले ही हम उन्हें मार चुके, बस आप एक माध्यम है. तो ऐसी रिक्वेस्ट है भगवान उनसे करने की, तो आराम से फिर युद्ध करते हैं आगे का. यस, there's no need to lament, क्योंकि already destiny fixed है, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं. फ्यूचर दिखाते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे कंट्रोल में ही रहता है, एंड आपको मैं जस्ट एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, लाइक दैट. ओके, सो दैट्स इट प्रभु, एनीथिंग एल्स? ओके, और किसका नाम था थर्ड, मुझे याद नहीं है अभी. नंदिनी माता जी. यस, ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जैसे 2+2 पूरे दुनिया में सेम होता है, वैसे कृष्णा का ज्ञान जो अर्जुन के लिए, अर्जुन को दिया गया था, वैसे ही हमारे लिए भी होता है. बेनिफिट सबको, बेनिफिट्स सबको सेम ही रहता है और सभी को ही मिलता है. सो जब अर्जुन ने कृष्णा जी को हम्बली रिक्वेस्ट किया था उनका विराट रूप दिखाने के लिए, तो उन्होंने उनको दिव्य आंखें दी थी देखने के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया था. तो इट इज सेड दैट कि क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे थे, तो वो विराट रूप अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी देखा. यस, उसके बाद उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन बताया कि कैसे उनके अनकाउंटेबल मुख, नेत्र, दृश्य और शॉकिंग दृश्य अर्जुन ने देखे. यस, जिसे देख के वो काफी डरे भी थे, डर गए. यस, और काफी उन्होंने आभूषण और हथियार लिए थे अपने काफी सारे हाथों में. एब्सोल्युटली. यस, और फिर और उसी एक ही मतलब जब वो खड़े थे तब एक ही मोमेंट में उन्होंने पूरा यूनिवर्स एट अ मोमेंट उन्होंने देखे थे अर्जुन ने. तो इसके साथ साथ जो गॉड्स डेमी गॉड्स थे उन्होंने भी विराट रूप देखे थे, और सारे भगवान डर के उन्हें प्रे करने लग गए थे. और उसमें हमने ब्रह्मा जी की स्टोरी भी सुनी थी कि कैसे वो प्रे करते हैं. उसके बाद फिर अर्जुन काफी डरने के बाद उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस यही अपने असली रूप में आ जाए. फिर वो वापस अपने रूप में आते. इसमें हमने शिव जी और कृष्णा जी की भी एक लीला सुने थे, जिसमें वो जब जन्म लेते हैं इस धरती पे तो कैसे शिव भगवान उनके दर्शन करने के लिए आते हैं. यस, और यशोदा मैया उनको मना कर देती है कि आपको देख के डर जाएगा लल्ला, राइट? यस, यस. उसके बाद फिर 53 और 54 श्लोक का मैं ये बताया कि कैसे हम कृष्णा जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं. एंड 55 में ये बताया अबाउट कर्मा एंड प्योर डिवोटीज. यस, सो एंड में थैंक यू सो मच माताजी, दैट वाज ऑल द कंक्लूजन. तीनों डिवोटीज ने बहुत अच्छे से चैप्टर कवर किया है, थैंक यू सो मच. सो एंड में हर चैप्टर में घूम फिर के जो है कंक्लूजन पे कृष्ण यही बताते हैं कि सारे इसमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग, राइट? तो भक्ति योग पे ही वो हमको लेके आते हैं बार बार बार. So, आज हम चैप्टर 12 में डिवोशनल सर्विस यानी कि भगवत भक्ति योग हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में. चैप्टर 12 सिर्फ 20 श्लोकास है इसमें,
लेकिन ऑल द 20 श्लोकास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम इसको आराम से जो है डिटेल में आज इसको करेंगे. बसवराज प्रभु आर यू देयर, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. हरे कृष्णा. बसवराज प्रभु आर यू देयर? ओके नो प्रॉब्लम. सो कल की क्लास में अंकिता साहू माता जी, पम्मी जयंती माता जी बोलेंगे. तीसरा नाम वी विल डिसाइड. ओके, जो अभी रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं कुछ डिवोटीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो उन्हें हम कल बुलाएंगे. सो चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस. अगेन इतनी देर तक अर्जुन ने कुछ बोला नहीं है, सो अब जो है अर्जुन बोलने लगता है. फर्स्ट श्लोक कौन से स्टार्ट होता है, बट बिफोर दैट हम डिविजन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है. जैसे यू नो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तीन सेट होते हैं, 1 to 6, 6 to 12 एंड 12 to 18. 13 to 18 एक चैप्टर होता है. आई मीन थ्री सेट्स वी हैव डिस्कस्ड. सो इन दिस सेकेंड सेट डिवोशनल सर्विस के साथ खत्म हो जाता है. ओके, सो इसमें जैसे 1 to 7 श्लोकाज आते हैं. ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, भगवान एक अच्छे पिता की तरह, राइट, जो रास्ता भटक जाता है बच्चा, उसको बार बार गाइड करता है, राइट, कि ये नहीं करो, ये नहीं, ये करो लाइक दैट. कृष्ण पूरे चैप्टर में हमको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं कि आप किन तरीके से मुझे डिवोशनल सर्विस लाइन में आप लग सकते हैं ऐसा. ओके, सो 1 to 7 श्लोकाज जो है भगवान आप अपने तत्व के बारे में, अपने रूप के बारे में बोलते हैं. ओके, स्टेप बाय स्टेप भी प्रोसेस वो बताते हैं कि सब लोग जो अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना अपना इंटरेस्ट जो उनको है, उनके हिसाब से क्या प्रोसेस होगा मेरे तक आने के लिए, ये वो 1 to 7 श्लोकास में बताते हैं. 8 to 12 श्लोकास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज. ओके, कितने लोग आते हैं, किस तरीके के लोग आते हैं भक्ति में भी, एंड उनको रीच करने में क्या क्या टाइप्स ऑफ लोग है वो, एंड कैसे उनको प्रोग्रेस करना है ये बताते हैं. 13 to 20 श्लोकास में भक्तास के बारे में, यानी कि शुद्ध भक्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग कैसे होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये हम जानेंगे. एंड उसे हम देख भी सकेंगे कि हम किस लेवल के भक्ति कर रहे हैं और एक्चुअल में लेवल स्टैंडर्ड क्या है, ये हमको मालूम पड़ेगा. सो फार हमने देखा चैप्टर 1 से लेके अभी तक अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कृष्ण को, एंड जितने भी बार क्वेश्चंस, जस्ट 1 मिनट डियर डिवोटीज, होल्ड ऑन. ऑल राइट, तो स्टार्टिंग से हमने देखा है कि अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कृष्ण से पूछे. ध्यान योग क्या है, कर्म योग क्या है, कौन सा बेटर है, कंपैरिजन पूछ रहे हैं, मुझे कैसे रहना है, एंड ध्यान योग कैसे करना है, किसी को करना है तो फ्यूचर के लिए क्या करना है. सो एवरीथिंग ही इज आस्किंग, और हर किसी के लिए. एक तो उन्होंने सटीक क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, इतने टाइम से वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूछे थे, बट दिस चैप्टर अर्जुन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस, बिकॉज अब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है. धीरे धीरे जो है उनको मालूम पड़ जाता है कि एग्जैक्टली इतना बड़ा पोजिशन है कृष्ण का. अभी विराट रूप देखा ना, इतना बड़ा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. सो पहले वो बोलते हैं कि ज्ञान योग बड़ा है, भक्ति योग बड़ा है. कृष्ण बोलते हैं भक्ति योग बड़ा है, राइट. नेक्स्ट वो बोलते हैं कर्म करना है कि अकर्म करना है. कर्मयोग वाले चैप्टर में अगेन ही सेज कि नहीं, अकर्म करना है, जिसमें आपको किसी भी तरीके का जो है नहीं लग सके, फ्रूटेटिव रिजल्ट का कर्मा नहीं लग सके, ये वो बोलते हैं. आप श्लोका नंबर 1 में भी वो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता वे भक्तास्त्वाम परुपाशते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषम के योग वित्तमः. अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ओके, सो हु इज वेरी ईगर टू सर्व यू लाइक दैट, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं. दिस इज इम्पर्सनलिज्म, ओके, हम इसको डिस्कस करेंगे. अव्यक्त, ओके, इट इज नॉट अ फॉर्म. इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी कि सिद्ध माना जाता है, किसे सिद्ध माना जाए. ओके, सो दो बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन बहुत कैटेगरी के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इम्पर्सनलिज्म, जो निराकारवादी होते हैं. ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, राइट, इट इज जस्ट अ लाइट, राइट. हम देखते हैं बाकी इसमें भी कि भगवान जो है सिर्फ एक रोशनी है, हम उस रोशनी में मिल जाएंगे, राइट. इसलिए वो लोग जिनको प्रे करते हैं उनका कुछ फॉर्म भी नहीं होता. सो दैट इज इम्पर्सनलिज्म. इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो हम इसको आगे क्लियरली थोड़ा सा और चर्चा करें. एंड पर्सनलिज्म क्या है? पर्सनलिज्म मीन्स कोई पर्सन है उसको जो
उसकी जो भक्ति कर रहा है वो दैट इज पर्सनलिज्म. ओके, जैसे भक्ता होता है, यू सी इंडियन कल्चर हम लोग कभी भी फॉर्म को वर्शिप करते हैं, विग्रह को वर्शिप करते हैं, दैट इज पर्सनलिज्म. किसी कोई पर्सन है उसको हम वर्शिप करते हैं, दैट इज पर्सनलिज्म. क्योंकि हम वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स दैट गॉड हैज अ फॉर्म, राइट. हम कभी ये विश्वास नहीं करते कि भगवान का कोई रूप नहीं, हम वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स दैट गॉड हैज अ फॉर्म. बट देर आर मेनी अदर कम्युनिटीज जहाँ पे ये चीज वो नहीं मानते हैं. ये क्यों वो नहीं मानते वो भी हम आगे चर्चा करेंगे. सो वेरी कैटेगरिकली पूछ रहे हैं अर्जुन की, जो आपकी इम्पर्सनलिज्म की पूजा करता है क्या वो बड़ा है, या फिर जो आपका पर्सनल सर्विस करता है, लाइक यू नो पर्सनलिज्म का, पर्सनल फॉर्म का सर्विस करता है, उसको वर्शिप करता है, वो बड़ा है या ये, ऐसा वो कंपैरिजन में पूछ रहा है. वेरी क्लियर, वेरी कैटेगरिकली स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने. अब भगवान इसका जवाब देंगे, दैट इज इन द सेकेंड श्लोक. सो वी विल सी क्या बोल रहे हैं भगवान. श्री भगवान वाचा मयि अवेश्या मनो ये माम नित्या युक्ता उपाशते श्रद्धया परयो पेतास्ते मे युक्त ममा ततः मतः. श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप, साकार इज कंप्लीट, ओके, निराकार इज नो फॉर्म नो आकार, साकार इज विथ फॉर्म लाइक दैट, ओके. जो लोग मेरे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं. भगवान ने भी क्लियर, जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया है कि यू नो पहले आप ये कीजिए वो कीजिए, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बता दिया है कि स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, स्ट्रेट आंसर मिला इनको कि नो, जो लोग पर्सनल फॉर्म का वर्शिप करते हैं वो मेरे मत में दैट इज द टॉप मोस्ट, ऐसा वो बता रहे हैं सिद्ध, ऐसा. सो देयर इज नो ट्विस्ट एंड टर्न हियर. Now, three types of, एक बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे. तीन तरीके के लोग जो है वो पूजा करते हैं, लाइक यू नो थ्री टाइप्स ऑफ पीपल हु जो भगवान की पूजा करते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्राह्मण परमात्मा एंड भगवान, थ्री लेवल्स पे होता है. ओके, वी विल डिस्कस इट अगेन रिविजन, क्योंकि ये चैप्टर उसके ऊपर रहता है. नाउ फर्स्ट इज ब्रह्म ज्योति. ओके, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये लोग मानते हैं, ओके, ये लोग मानते हैं कि भगवान है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं. ओके, ये लोग सोल पे भी बिलीव नहीं करते, आत्मा पे बिलीव नहीं करते. इनका मानना यह रहता है कि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो इसका, बिकॉज सोल इज जस्ट अ लाइट, तो वो लाइट में जाके मिल जाता है. बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम भगवान से अगर मिल जाते देन भगवान में हमें फर्क क्या है, राइट. दैट इज अ क्वेश्चन. सो दैट इज ब्रह्म ज्योति लेवल. सो वो लोग क्या सोचते हैं, दे आर इन लेवल वन. ओके, ये लोग क्या करते हैं, एक एक लाइट पे वो लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं, निराकार तत्व बोलते हैं. ओके, सो दे फोकस ऑन द ब्रह्म ज्योति, दैट इज ऑन द लाइट. ओके, दे बिलीव सब कुछ लाइट है, हम लाइट में मिल जाएंगे, लाइक दैट. ओके, अब ये किस लाइट की बात हो रही है, ये हमें मालूम है. दिस इज द एफल्जेंस कमिंग आउट ऑफ श्री कृष्णास बॉडी, जो भगवान है. हमने कल विराट रूप में भी देखा, राइट, इतना तेज है उनमें कि हजार सूरज के बराबर. वो तो सिर्फ कंपैरिजन में बोला है, बट इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ओके, सो वो जो एफल्जेंस आती है, दैट इज द सेम एफल्जेंस जो भगवान के शरीर में से जो कांति आती है. अभी देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड यहाँ पे है, मटीरियल यहाँ पे है, वहां पे है भगवान, बहुत दूर है. एक्चुअली इट इज बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन ऑल्सो. हमने ब्रह्मा जी की एज भी डिस्कस की थी प्लानिटरी सिस्टम्स. सो इफ जस्ट द प्लानिटरी सिस्टम इज दिस मच, ऐसे बहुत यूनिवर्सेस है, उसके पीछे फिर यू नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, उसके पीछे फिर सारे वैकुंठास होते हैं, ऊपर बहुत टॉप पे कृष्ण है, गोलोक वृंदावन ऊपर है. ओके, नाउ ये जो लाइट आ रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लेके इस मटीरियल वर्ल्ड में, वो लाइट को हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं. ओके, सो निर्विशेषवादी क्या करते हैं, उनको लगता है कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, सो यही लाइट भगवान है, ऐसा सोचते हैं. बट हमने पहले भी ये डिस्कस किया डियर डिवोटीज कि हर चीज का कोई सोर्स होता है. अगर लाइट आ भी रही है तो लाइट का कुछ सोर्स होगा, तभी लाइट आ रही है. हमने बोला था पीछे देखो राइट, देर इज समथिंग पीछे, राइट. सो वी शुड रिमेम्बर दैट देर इज अ फॉर्म दैट इज गिविंग द लाइट. सो ये लोग जो है उस चीज पे फोकस करते हैं, इसीलिए वो लोग बोलते हैं गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट. ओके, आपने सुना होगा कभी, दे से गॉड इज लाइट, दे आर बिलीविंग इन द निराकार तत्व. ओके, एंड उनको ये लगता है यही सच है. ओके, लाइक यू सी दे मेडिटेट ऑन ओम एंड एवरीथिंग, वो लाइट्स ऐसे आते हैं उनको. सो ऑल दैट कम्स अंडर निराकार तत्व. सेकेंड होते हैं परब्रह्म. हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कपिल मुनि, राइट. कपिल मुनि देवाहूति जी को बोलते हैं उनके मदर को कि मैंने परमात्मा पे मेडिटेशन किया और मुझे विष्णु रूप के दर्शन हुए. ये हमने पहले भी चर्चा किया था, राइट. सो ये किस विष्णु रूप की बात हो रही है, दैट इज द परमात्मा दैट इज विद इन अस.
ओके हमारे अंदर जो परमात्मा है वो चतुर्भुजी विष्णु है. ओके सो फोर हंड्रेड फॉर्म में वो रहते हैं. सो इनका दर्शन जो लोग करते हैं वो इसमें आते हैं. लाइक यू सी ऑल द ध्यान योगीज एंड एवरीथिंग, वो लोग भी जो है इस पे मेडिटेट करते हैं. तीसरे होते हैं भगवान के जो पूजा करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि हम लोग सब जो विग्रह अर्च विग्रह. ओके सो एक्चुअली जो भगवान के विग्रह होते हैं अर्च इज एट, ऐसे एट एलिमेंट से बना सकते हैं लाइक वुड होता है, स्टोन होता है, राइट. सो ऑल दीज आर ऐसे तो वो दिखने में मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं बट दे आर नॉट मटेरियल बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर गॉड दैट बिकम स्पिरिचुअल. ओके ये और डिटेल में आपको आई थिंक ईशोपनिषद ओनली इट इज गिवन. सो ऑल दिस इज देयर. सो ये जो दशावतार है, जैसे कोई राम भगवान को पूजा कर रहा है, एक को नरसिंह देव भगवान को पूजा कर रहा है, राइट. सो कोई वराह देव को पूजा कर रहा है. सो ऑल दीज ओके जो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं वो लोग जो है भगवान की ही पूजा कर रहे हैं बिकॉज वी सेड दशावतार्स आर अवतार्स ऑफ कृष्णा ओनली, राइट. सो इनडायरेक्टली ही सही वो, एक्चुअली इट इज नॉट इनडायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली, बट धीरे धीरे वो जो है वहां तक पहुंच जाएंगे. दे आर जस्ट वेरी क्लोज. डेमी गॉड्स की बात नहीं हो रही है, डेमी गॉड्स कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी. सो जो भगवान को पूजा करते हैं वो राम जी को करेंगे तो राम जी के प्लैनेट में जाएंगे, अगेन दे विल नॉट कम बैक. ओके वहां से फिर राम जी के प्लैनेट से ऊपर उनको जाना है, देन दे विल गो टू कृष्णास प्लैनेट, दैट इज गोलोक वृंदावन व्हिच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो लाइक दैट. नाउ आउट ऑफ ऑल थ्री अभी बहुत सारे लाइक इवन इन साउथ इफ यू सी विष्णु मूर्ति की बहुत पूजा होती है रंगनाथ स्वामी में, राइट, पांडुरंगा, राइट, तिरुपति बालाजी तिरुपति, यू सी ऑल ऑफ देम आर अवतार्स ऑफ कृष्णा ओनली. ओके सो अभी एक क्वेश्चन है कि भगवान बोल रहे हैं कि आउट ऑफ भगवान आंसर देते हैं कि आउट ऑफ ऑल थ्री ब्रह्म ज्योति परमात्मा एंड भगवान इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है थर्ड वन, दैट इज द बेस्ट. ओके क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सर्व कर रहे हैं. ओके क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं वो नेक्स्ट श्लोकास में हम डिस्कस करेंगे, राइट. एंड सर्विंग का मतलब क्या है डियर डिवोटीज, ये भी हम लाइक हाउ डू वी सर्व, दिस आल्सो वी विल डिस्कस इन द कमिंग श्लोकास. थ्री और फोर श्लोकास साथ में आ रहे हैं. थ्री और फोर श्लोकास में निराकारवादी के बारे में बात हो रहा है, इम्पर्सनलिस्ट के बारे में बता रहे हैं भगवान. ये त्वा अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपाशते सर्वत्रागम अचिंत्यम चाकुतास्तम अचलम ध्रुवम सानियाम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र सामबुद्धया ते प्रापुवन्ति ममेव सर्वभूता हिते रतः. क्या बोल रहे थ्री एंड फोर श्लोकस में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव से ओके संभाव रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस व्यक्ति की पूरी तरीके से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अतः मुझे प्राप्त करते हैं. इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ. बट दोज हु फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड That which lies beyond the perception of the senses, all pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth by controlling the various conception of by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in all the welfare at last achieve me. Okay, koi unmute hai yahan pe. Okay, Archana Mataji. All right. So yahan pe impersonalism ki baat ho rahi hai ki वो लोग भी पहुंचते हैं. लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो लोग भक्ति लाइन में ऑलरेडी आ चुके हैं इनडायरेक्टली ही सही, वो लोग घूम फिर के जो है दे विल कम टू कृष्णा ऐसा. सो कंडीशंस बता रहे हैं कि उनको जो है देखिए कंट्रोल भी करना है सेंसेस, राइट. दे हैव टू ऐसे यूजुअली होता है कि डुअलिटीज में हमने पहले भी डिस्कस किया था द्वंद में उनको भी जो है एकाग्र रहना पड़ता है. सेंस कंट्रोल बहुत बहुत जरूरी है, राइट. सो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होता है भक्तास के लिए, लाइक यू सी फॉर अस इट इज चैंटिंग. ओके देन वी विल रियलाइज द लॉर्ड सेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर. ओके नाउ इफ यू सी पूजा के टाइम पे, राइट, आप सबने घर पे कभी ना कभी पूजा अटेंड किया होगा, राइट. हमारे सामने भगवान का विग्रह होता है बट हाउ मेनी टाइम्स हम उन पे ध्यान लगाते हैं, राइट. मंदिर में बैठते हैं तो हमको पूरा हमारा जो चिट्ठा है प्रॉब्लम्स का सब याद आता है. अरे ये भी नहीं है, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, हमें तो ये तो पूछना भूल ही गई. फिर वापस आते थोड़ा पीछे जाने वाले होते कि अभी हो गया पूजा, फिर आते हैं कि नहीं एक विश बाकी है. यू सी हमारा माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है. अब हम घर पे यज्ञ करें या कुछ भी करें देयर इज नो सेंस कंट्रोल. ओके सो दिस माइंड विल गेट कंट्रोल
ये जो माइंड कंट्रोल करना है ये इंपर्सनलिज्म के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन लाइट. व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेडिटेट ऑन लाइट ये भी हम आगे चर्चा करेंगे बट सो फार दिस इज द केस. ओके पर्सनलिज्म के भी बारे में हम बात करेंगे एंड यू नो दीज पीपल ये जो इंपर्सनलिज्म में करते हैं मेडिटेशन इनका बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोटोकॉल से बहुत डिफिकल्ट है. लाइक यू सी ये लोग फिजिकली बॉडी को बहुत पेन देते हैं. अपने पास में जो है एक चक्र बनाएंगे आग का और आग के बीच में मतलब देर इज नो फायर दैट इज टचिंग देम बट उस हीट में वो लोग बीच में बैठते हैं कंप्लीट सर्कल बनाते हैं आग एंड देन दे सिट. ओके सो दैट यू नो वो योगी को फील ना हो कि गर्मी में मैं विचलित ना हूं ऐसा. राइट सिमिलरली वो लोग क्या करते हैं अभी जैसे समर में हम लोग गर्म पानी से नहीं नहा सकते हैं. राइट हम लोग विंटर में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते यू सी एंड वाइस वर्सा. राइट लाइक दैट सो वन थिंग इज सेम. ओके कि चीज तो सेम है पानी सेम है बट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे सेंस कंट्रोल करना है सो ये लोग ये करते हैं. सो व्हाट डू दे डू इज ठंडे सीजन में गंगा जी पे जाके वो यू नो अपना मेडिटेशन करते हैं जानबूझ के बॉडी को और तकलीफ दे ताकि बॉडी को जो है ठंडा गर्म कुछ मालूम ना पड़े. सो यू सी इम्पर्सनलिज्म का जो मेडिटेशन है योगीज का जो मेडिटेशन है इतना डिफिकल्ट होता है उनको अकेले रहना पड़ता है उनको क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है वो लोग दूर दूर जाके मेडिटेशन करते हैं ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं. ओके सो दे ट्रेन देमसेल्फ बेसिकली वो लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं कि किसी भी तरीके का अटैचमेंट ना हो किसी भी तरीके का जो है डुअलिटीज ठंडे में भी फर्क ना पड़े हम मेडिटेट कर पाए गर्मी में भी हम मेडिटेट कर पाए. सो फिजिकली भी उनको बहुत सारा जो है ट्रेन करना पड़ता है. यू सी सर्कस में भी हम देखते हैं कि शेर को कैसे ट्रेन करते हैं. राइट पहले वो सुनता नहीं है शेर लाइक राइट सो सर्कस में भी उसको जो है पहले पूरा खाना छुड़वा देते हैं. राइट एंड दे बीट हिम ऑल्सो. राइट सो अपने बॉडी को बहुत तकलीफ दिलवाता है उसको मालूम रहता है शेर को अगर खाना मैं इनका बात नहीं सुनूंगा जैसे ये लोग जंप करने के लिए बोल रहे हैं अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा देन जो है ये मुझे खाना नहीं देंगे. देन फाइनली जो है वो शेर मान जाता है. सो ऐसे ही इंपर्सनलिज्म जो योगीज होते हैं वो लोग ऐसे मेडिटेट करते हैं कि यू नो जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मैं ज्यादा ये फुटेज नहीं दूंगा देन आई विल कंट्रोल ऑल द सेंसेस ऐसे वो लोग मेडिटेशन करते हैं ये बता रहे हैं. ओके नाउ लाइक यू सी वन मोर एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे प्रभु जी ने जैसे चाइल्ड बच्चा इज ऑलवेज वेरी वेरी एक्टिव. राइट सो अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि तू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ही विल नॉट स्टॉप. राइट बिकॉज कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टे एक्टिव. राइट बट एट द सेम टाइम अगर बच्चे को हम एंड आजकल क्या हो रहा है हैव यू सीन लाइक टुडेज किड्स नो वो ना तो माँ बाप की सुनते हैं ना वो टीचर्स की सुनते हैं. राइट माँ बाप को तो टाइम भी नहीं है बच्चे को कुछ भी यू नो ट्रेन करने के लिए सो वो लोग क्या करते हैं फोन पकड़ा देते हैं. यस और नो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे दे आर सो फास्ट विद द फोन्स विच इज यूजलेस. राइट वो लोग को फोन देते हैं वो चुप भी हो जाते हैं बिकॉज ही इज लाइक एन एम्प्टी स्लेट. राइट वो उसको आप जैसा ट्रेनिंग करोगे उसके दिमाग में वैसा ही बैठेगा. सो यू सी हम लोग वी आर नॉट ट्रेन्ड स्लेट्स. हम लोग को मालूम होता है हम लोग इतना क्योंकि वी हैड अ डिफरेंट चाइल्डहुड. राइट हम लोग को इतना बचपन में फोन्स नहीं पकड़ाया गया था जितना आजकल हम बच्चे पैदा होते ही लगता है कि फर्स्ट गिफ्ट उनको जो है फोन ही मिल रहा है. राइट फर्स्ट बर्थडे से पहले. राइट यू सी ऐसा हमारा हालत हो गया है. सो दिस वॉट वी आर सेइंग बाय दिस इज दैट कि बच्चा जो है इट्स लाइक एन एम्प्टी स्लेट. आप उसको जो ट्रेनिंग दोगे वो बचपन से वही सीखेगा. दैट्स वाई टूडेज चिल्ड्रन दे आर नॉट कल्चर्ड. राइट वो जवाब देते हैं उल्टा माँ बाप की नहीं सुनते हैं टीचर्स को परेशान कर रहे हैं दे आर वेरी अग्रेसिव. राइट क्योंकि यूट्यूब उनका टीचर बन चुका है गूगल उनका टीचर बन चुका है एंड व्हाट ऑल ड्रामा एंड नॉनसेंस दे आर सीइंग. सो दैट इज द रीजन वाई बच्चों को जो है बचपन से ही अगर कोई एक्टिविटी में लगा रहे कोई डिवोशनल एक्टिविटी में लगा रहे देन ही विल गेट इन टू द भक्ति लाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट सो दिस इज वॉट एंड इफ यू सी जब हम ऐसे डिवोशनल लाइन में लगते हैं देन हमारा पॉसिबिलिटी है कि हम आगे प्रोग्रेस कर सके. वाइफ इज ऑलवेज हैप्पी ना वाइफ इज ऑलवेज हैप्पी जब वो हस्बैंड को सर्व करती है. राइट सिमिलरली हम जब भगवान की भी सेवा करते हैं देन ऑल्सो वी विल बिकम हैप्पी बिकॉज सर्विंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. राइट जैसे हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि डिवोटीज नॉन डिवोटीज की बात हम कर रहे थे कि जो लोग फिजिकल पेन के थ्रू उनको जाना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ये हम बता रहे हैं. डिवोटीज की बात करते हैं. डिवोटीज को जो है he does not have to go through all that pain. Right? So, एक बार एक Srila Prabhupada के पास एक disciple आते हैं excitement में बोलते हुए कि like he's a foreign disciple. So, उनके पास आके बोलते हैं you know स्वामी जी पहले उनको प्रभुपाद का title मिलने से पहले स्वामी जी बुलाते थे. So, वो बोलते हैं you know स्वामी जी I am becoming I'm a complete vegetarian now. Okay? मैं vegetarian बन चुका हूँ ऐसे बोलते हैं. तो Srila Prabhupada उनसे बोलते हैं तो इसमें क्या है
मंकी भी तो वेजिटेरियन है, एक बंदर भी वेजिटेरियन है, राइट, एक जिराफ भी वेजिटेरियन है, एक हिरन भी वेजिटेरियन है, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग स्पेशल, राइट. तो फिर वो आगे बोलते हैं कि यू नो यू शुड बिकम कृष्णाटेरियन. ओके, सो दैट्स व्हाट वी से कि कृष्णाटेरियन, कि आप भोगा ऑफर करके देन यू हैव इट. सो वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियंस, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस. सो यू बिकम अ कृष्णाटेरियंस, देन आप में कुछ खास बात है, ऐसा वो बताते हैं उनको. सो दिस वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल अगेन. ओके, नाउ यू सी इम्पर्शलिज्म और पर्शलिज्म का कैसा है, बहुत सिंपल. मैंने एक लेक्चर में सुना था कि माता जी बता रहे थे कि यू सी नोस कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, दिस इज डिवोटी. ओके, एंड इम्पर्शलिज्म कैसे है, वो लोग कैसे आते हैं नाक के पास, अच्छा ये नोस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 यहाँ पे नोस है. यू सी दिस इज इम्पर्शलिज्म. ओके, सो यहाँ पे जो नोस है ये डायरेक्ट नहीं आते, वो लोग जो है घूम फिर के जो है यहाँ पे, दैट इज इम्पर्शलिज्म. ओके, पूरा उनको ढूंढने की क्या जरूरत है, नाक यहीं पे है ना. So that is what we are trying to say. So round and round घूमते हैं, that is impersonalism. श्लोका नंबर 5 पे चलेंगे. क्लेशो अधिकारस्तेषम अव्यक्ता सकचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवः द्वीर अवाप्यते. जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है. कष्टप्रद क्यों, हमने डिसाइड किया उनका प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है. देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है. ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. वो बता रहे हैं इनका जो प्रोसेस है ये डिफिकल्ट. अब हम उस पर चर्चा करते हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, दैट हाउ कैन यू मेडिटेट ऑन इम्पर्सनलिज्म. ओके, जिस चीज का कोई फॉर्म नहीं है, जिस लाइट की आप बात कर रहे हैं उस पर कैसे कोई मेडिटेट कर सकता है. यू सी, अगर हम अगर मैं अभी आपको बोलूं कि एक येलो कलर का हाथी है और उसकी ग्रीन कलर की पूंछ है, राइट, इमीडिएटली फॉर्म आया मन में, राइट, यू थॉट अबाउट इट, राइट, येलो कलर का हाथी एंड रेड कलर की पूंछ. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप येलो कलर के हाथी और ग्रीन कलर के पूंछ को मत देखो, राइट, इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. यू सी, व्हेन वी से फॉर्म, इट इज इजी टू मेडिटेट ऑन द फॉर्म, राइट. अगर मैं ये बोलूंगी कि इस पे आप मेडिटेट ना करें, देन ऑल्सो यू विल सी दैट. सिमिलरली हम लाइट बोलते हैं, तो यू सी लाइट, हम लाइट पे ज्यादा देर, यू थिंक अबाउट इट, आप लाइट पे मेडिटेट कीजिए. सो किसी किसी का रेड लाइट जलता है, किसी का ब्लू, किसी का यू नो दैट, एंड देन इट यू कैन नॉट मेडिटेट ऑन समथिंग फॉर्मलेस, राइट. सिर्फ लाइट बोल रहे हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों नॉट पॉसिबल, ये भी हम डिस्कस करेंगे. यू सी, हम लोग आकार है, लाइक वी आर अ फॉर्म, राइट, वी हैव कम्प्लीट फेस, ऑल हैंड्स, एवरीथिंग इज, वी आर फॉर्म, वी आर नॉट फॉर्मलेस. So, जो फॉर्म है वो कभी भी फॉर्मलेस पे मेडिटेट नहीं कर सकता है. फॉर्म हमेशा फॉर्म पे ही मेडिटेट कर सकता है. दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन वी से कृष्णा, इमिडिएटली वी कैन मेडिटेट ऑन कृष्णा. हम लास्ट टाइम याद आते हैं, वो कैसे मक्खन खाते थे वो याद आते हैं, कैसे वो मटका तोड़ते थे, यशोदा मैया भाग रही है उनके पीछे. यू सी, ऑल दैट थिंग्स आर डिस्कस्ड बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये सब हमको याद आती है. कैसे वो राधा रानी के प्रति इतने हुए, उनका गोपीज उनको कितना पसंद करती है, एट ऑल दैट वी कैन इजीली मेडिटेट. पसंद है किसी को रोमांस पसंद है, सो कैटेगरीज होते हैं. सिमिलरली इन कृष्णा पढ़ेंगे, अगर कृष्ण के बारे में थोड़ा, वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस क्लास वन, को बहुत सारा चीज मिलता है, लाइक रोमांस भी मिलता है, सस्पेंस मिलता है, मर्डर. क्लेशा मीन्स ट्रबल. इनके इम्पर्सनलिज्म के जो दुख है वो कभी खत्म नहीं होते, बिकॉज यू नो उनका लाइट में फोकस कर पाना इतना मुश्किल होता है. ओके, सो क्यों इनको मुश्किल होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये लोग अकेले रहना पड़ता है, दे हैव टू सेक्लूड, दे हैव टू गो इनटू अ सेक्लूडेड प्लेस, देन उनको मेडिटेट करना पड़ता है. एंड डिवोटीज का क्या है, डिवोटीज का बहुत सिंपल है. आप सी, इफ यू सी डिवोशनल सर्विस का प्रोसेस, एसोसिएशन नंबर वन, राइट, एसोसिएशन में क्या है, डिवोटीज के साथ मिलना है, राइट, रीडिंग करना है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, इट इज जस्ट दैट सिंपल. वी आर ऑलरेडी इन टू भक्ति, राइट, वी आर रीडिंग, वी आर डिस्कसिंग, वी आर चैंटिंग, वी आर आस्किंग डाउट्स, राइट, एंड वी आर एनकरेजिंग.
डिवोटीज का जब अच्छा एसोसिएशन आपको मिलता है तो वो लोग आपको एनकरेज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप जो है समझ नहीं पाएंगे इस चीज को. एंड धीरे धीरे जब आपका प्योरिफिकेशन होने लगता है देन यू विल रियलाइज दैट दिस इज द एब्सोल्यूट थिंग दैट आई वाज सर्चिंग फॉर. ऐसा सो अभी कोई फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल पे इनवाइट कर लिया, प्रसादम बांट रहे हैं, राइट, किसी को प्रसादम भेज रहे हैं, लाइक वी हैव सेंट यू, सो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति. Right, so this is what we are discussing. So and ye log ka aur kya cheeze hote hai, jaise some of you may belong to ISKCON and some of you may not. So main aapko bata rahi hu that even in menial services bhi hote hai, chote chote kaam hote hai, jaise kabhi temple mein jhadu laga diya, pocha laga diya, kisi dishes hum kar rahe hai, devotees ka association sab log jiski plate wo dhote hai, right, like that, kabhi jhadu mala, kabhi windows clean kar liya, all the menial services, cleaning the temple is cleaning the heart. कृष्ण ये श्रील प्रभुपाद ने बोला था, राइट, अगर आप मंदिर साफ करते हैं तो आपका मन साफ होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू ऑल दिस मीनियल सर्विसेज. सो ऐसे करते 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 ही वो जो है भक्ति में आगे चला जाता है, बहुत आगे चलता है. जस्ट सिंपल प्रोसेसेस, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, क्लीनिंग एंड ऑल इन ऑल द सर्विसेज, प्रसादम खा के भी वो जो है भक्त बन जाता है. सो यू सी कौन सा प्रोसेस आप लोग को इजी लग रहा है, प्लीज अनम्यूट करके बताइए. इंपर्सनलिज्म जो यू नो अग्नि के कुंड के बीच में बैठ रहा है, that is easy or this one is easy, devotees ka, please second, tell second one. Yes. Devotees second one is so easy, effortless, bahut effortlessly wo kar sakta hai, same result, ultimate destination dono ka same hai, aise wo bol raha hai. Aur kya differences bata rahe hai, जैसे इम्पर्सनलिस्ट क्या होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, मैं पढ़ूंगा वेदास लिटरेचर्स, जो भी है वैदिक लिटरेचर्स, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, आई विल स्टडी ऑल ऑफ दैम, राइट. अब उसको वो पढ़ने के लिए वो लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है, जैसे हम लोग कल भी डिस्कस करे थे कि वैदिक लैंग्वेज जो होती है वो बड़ी ट्रिकी होती है. ऐसा होता है कि जैसे भगवान चलते भी है, भगवान नहीं भी चलते हैं, राइट, लाइक यू सी चलना मतलब भगवान आते हैं, जैसे गरुड़ जी को लेके वो आए थे गजेंद्र मोक्ष की लीला में, राइट, गजेंद्र को उन्होंने फूल दिया था, दैट एलिफेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट. सो ऐसे भगवान आते हैं, बट ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान कभी गोलोक वृंदावन से उतरे ही नहीं. सो यू सी दिस इज हाउ वैदिक लैंग्वेज इज, वो चलते भी है नहीं भी चलते हैं, वो है भी और वो नहीं भी है, राइट, लाइक दैट. सो इट इज सो उनको ये लैंग्वेज समझनी पड़ती है पहले, एंड देन वो फीलिंग्स की क्या मूड में उन्होंने लिखा है जो लिखा है, राइट, एंड उसको करते 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 देन वो रियलाइज करते हैं. एंड भक्तास क्या करते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक बोनोफाइड स्पिरिचुअल लीनियज में आ जाते हैं. गुरु जो परंपरा के गुरु है डायरेक्ट उनको अप्रोच करते हैं, उनको ओबिसियंसेस मतलब प्रणाम्स करते हैं, एंड यू नो वी डू हियरिंग, वी डू चैंटिंग, वी ईट, वी डांस, लाइक जैसे कीर्तन होता है, right, and we do a lot of kirtan, all of this. Aap mein se koi kisi ne kabhi chanting try kiya hai, chanting process? Nandini ne try kiya hai, mata ji ne, okay, who else? Namaskaram na, who I have tried also, mala pe kiya hai, mala pe Rachit prabhu ne bhi kiya, aapne bhi kiya Rachit prabhu? मैंने माला पे नहीं, मैंने मेडिटेशन के फॉर्म में किया है. ओके, मेडिटेशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैंटिंग, चैंटिंग जो बीट्स पे होते हैं. कभी आपने जप माला देखा है? आई माय जप माला इज देयर, आई विल जस्ट शो यू वन सेकंड. सो यू नो दिस इज द जप माला, जो हम युग धर्मा की बात करें, सो बेसिकली दिस इज लाइक अ बैग, बीड बैग बोलते हैं इसको, एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द माला. ओके, नाउ यू सी दिस इज अ माला. अब इसमें जो है टोटल 109 बीड्स होते हैं, इंक्लूडिंग दिस टॉप वन. ओके, दिस इज टॉप वन. इज कभी हम चैंटिंग पे सेशन लेंगे आफ्टर दिस 18 डेज, सो आई एम जस्ट शोइंग यू नॉर्मली. सो दिस इज द माला एंड वी हैव अबाउट 108 बीड्स. ओके, इस पे हम लोग चैंटिंग करते हैं. नाउ बिगिनर्स लेवल की अलग माला होती है. Yes, माताजी, ये बैग में क्यों रखते हैं हमेशा? इसको इस पे हम चैंटिंग करते हैं. सो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली, दिस हैज अ स्पिरिचुअल पोटेंसी, राइट. सो एक तो हम ताकि माला नीचे टच ना हो उसके लिए भी हम बैग यूज करते हैं, ताकि माला फिक्स रहे एक जगह पे व्हेन वी आर चैंटिंग, सो दैट इट डस नॉट टच द ग्राउंड और आवर लेग्स. दैट इज वन थिंग. और ऐसा भी सुना है कि यू नो दिस हैज अ स्पिरिचुअल पावर, राइट. सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल द ईविल ऑल्सो वी पुट इट इन अ बैग, राइट, बिकॉज इट इज वेरी प्योर. सो दैट इज वन रीजन माता जी, बट अगेन वी विल डिस्कस दिस. सो यू नो दिस चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर डिवोटीज. आप अगर हरिनाम का कभी महिमा पढ़ेंगे, कभी सुनना हरिनाम की महिमा, then you will be blown away ki what this chanting can do, right. aap mein se kitne logo ko
यू नो वी हैव पर्सनल लेवल पे यू नो इश्यूज, जैसे गुस्सा ज्यादा आता है, यू नो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड क्विकली, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, एंग्जाइटी आती है, हम सबको है राइट, एटलीस्ट मुझे तो आता ही है, ये सब में आजकल तो कॉमन है बिकॉज वी आर कलयुग का जीवास नो, वी ऑल हैव इट, बट दिस प्रोसेस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग राइट. इसीलिए जो है बिकॉज ऑफ हरिनाम, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ था हरिनाम जिन्होंने लिया था, व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दोज आचार्यस, व्हाट दे डिड टू द समाज, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो हरिनाम इज वेरी वेरी पावरफुल, इसलिए युगाधर्मा क्यों बोलते, इसको बोल रहे युगाधर्म कि आप चैंटिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए. यू नो यू डोंट डू एनीथिंग बट इफ यू जस्ट चैंट देन ऑल्सो आपका जो ओशन ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड बर्थ एंड डिसीज ये सब है उसमें से आप पार कर सकते जस्ट बाय चैंटिंग. एक राउंड चैंट करने में हमको जो है 8 to 10 minutes लगता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. जो फास्ट चैंटिंग करता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जो है एक बीट पे, जैसे 108 बीट बोला ना, एक बीट का एक महामंत्र, ऐसे करते करते 108 बीट्स होते हैं. एंड वी डोंट, जैसे हमने एक टॉप वाला एक बीट बताया था बड़ा सा था, दैट वी डोंट चैंट. एनी विच वी विल हैव अ सेशन ऑन द चैंटिंग राउंड वंस आफ्टर दिस क्लास और मे बी सम अदर डे, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दिस. थोड़ा सा हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेसेसरी है वो हम डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन, श्लोका नंबर हम 6 to 7 पे चलते हैं. पम्मी माता जी, आनंदिनी माता जी, योर क्वेश्चन आई विल टेक आफ्टर दिस चैप्टर एंड में आप सेव करके रखिए अपने क्वेश्चन. ओके, सो 6 to 7 पे हम लोग चलेंगे. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासमत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां अहं समुद्धाता मृत्यु संसार सागरत् भवामि न चिरत् पार्था मयि आवेशित चेतसाम. ओके, जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ. ओके, डिवोटीज की बात कर रहे हैं इस श्लोक में. लास्ट श्लोक में हमने इम्पर्सनलिज्म की बात की, अब ये डिवोटीज की बात कर रहे हैं. ओके, सो यू सी डियर डिवोटीज, भक्ति प्रोसेस कंपैरिजन में हर प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है उनमें सबसे ईजी सिंपल एंजॉयबल जिसमें हमको मजा भी आता है वो है भक्ति. दैट इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ यू सी कृष्ण जो है एक बहुत अच्छे पिताजी की तरह बार 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 हमको जो है बता रहे हैं इन डिफरेंट वेज, मल्टीपल ऑप्शंस भी दे रहे हैं, क्लियर कट समझा रहे हैं कि कंपैरिजंस बता रहे हैं क्यों व्हाई एवरीथिंग लाइक व्हाई यू शुड डू इट, क्या रीजन है नहीं करने का, एवरीथिंग इन डिटेल कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग. बट हम क्या कर रहे हैं, हम जिद पर रहे कि हम नहीं करेंगे राइट. सो दिस इज आवर लाइक कलयुग पीपल का ये क्वालिटी है दैट वी विल नॉट डू इट. ओके, सो अगर हम जिद करते हैं देन हमको सफर करना पड़ता है, वी विल हैव टू सफर. ओके, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट. सो अज्ञान है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे ही हमारा इम्प्योरिटीज क्लेंस हो जाएगा हम लोग एक ना एक दिन रियलाइज करेंगे राइट. सो दैट वी हैव टू डू. ओके, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे शिक्षा गुरु ने एक बार दिया था कि जैसे डॉल हाउस होती है राइट. सपोज एक छोटा सा बच्चा या फिर छोटी सी बच्ची, आपने देखा कभी डॉल खेलते हैं वो लोग राइट, घर घर बनाते हैं ऐसे. अगर सेट डॉल सेट नहीं भी है तो लोग क्या करते हैं, नकली सा कुछ ऐसे ले लेंगे, यू नो लेट्स से दे हैव अ डॉल सेट. ओके, उन लोग डॉल के सेट में क्या करते हैं, अब मम्मी लंच टाइम होने वाला है, लंच टाइम से थोड़ी देर पहले इन्होंने जो है खेल स्टार्ट किया राइट. अब जो है ये लोग बोलते हैं कि एक दुपट्टा डालेंगे राइट, एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगी, बोलेंगे देखो देखो मैं खाना बना रही हूँ, छोटा सा एक दो छोटा छोटा उनका किचन सेट होता है. किसी हम लोग ने देखा, एटलीस्ट हमने तो किया भी था ये सब बचपन में, हमने पहले दाल बनाएंगे फिर चावल चढ़ाएंगे, इतना सा कुकर होता है उनके पास, ऑल दैट दे विल डू राइट. अब क्या है, मम्मी उनको बुलाती है, जो रियल मम्मी है उनके, वो बुलाती है कि यू नो कि चलो चलो बेटा अभी लंच का टाइम हो रहा है, आप जो है बाद में करो. बोले नहीं 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 अभी तो मेरा बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, मैं खाना बना रही हूँ लल्ला के लिए. शी विल प्ले राइट, ऐसा बोलती है रुको रुको अभी 5 मिनट राइट, ऐसा बोल के फिर वो नहीं आती. अब क्या होता है, वो खेलती है, उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे घर में सेट आया है, वेरी नाइस राइट. करते 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 जो है अब जो है उसको भूख लगने लगती है राइट, रियल लाइफ में राइट. अब मम्मी उसको बुलाती नहीं है. ओके, मम्मी क्या है, मम्मी बोल रही है कि आपके पास खाना है ना, आप वो खाइए राइट. तो बोलती है नहीं 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 मुझे ये तो नहीं खाना है, ये थोड़ी असली है ये नकली है. ओके, सो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये असली नहीं है, ये असली है, तुम्हारा ही बच्चा है ना, तुम उसको बोलो कि कुछ यू नो राशन की दुकान से कुछ लेके आए राइट. But we know that is not the reality. Okay? इसी तरीके से अब मम्मी जो है लास्ट में बोलती है, जब मम्मी बुला रही थी तब वो नहीं आए राइट. अब वो बच्ची जिद कर रही है कि नहीं नहीं मुझे जाना है.
सिमिलरली हमारा ये हाल है इस भौतिक जगत में, राइट। जब भगवान हमको घर बुलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवान जी रुकिए, मैं पहले अपना एडुकेशन कंप्लीट कर लेता, अभी मेरे पास टाइम नहीं, राइट। फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी रुको बच्चे को कॉलेज करवाना है, राइट। फिर रुको रुको मुझे शादी करना है, फिर बच्चे करना है, राइट। फिर रिटायरमेंट में हम भगवद गीता पढ़ेंगे, राइट। करते 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 जो है पूरी जिंदगी चल जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हम लोग जो है नकली जो रियलिटी ही नहीं है उस पे हम भगवान को भी ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। एटलीस्ट टुडे वी आर ट्राइंग, हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसे बहाने करते हैं। आप कभी जाइए कोई ऐसे नास्तिक लोगों के पास और बोलिए उनको एक श्लोका पढ़ लीजिए भगवदगीता, बोलेंगे टाइम नहीं है। दिस हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सक्यूज, राइट। मेनी ऑफ द पीपल दे कम विद दिस एक्सक्यूज कि टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए, बट टाइम निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास होता है, टाइम कृष्णा के पास है, राइट। इट इज नॉट विद अस, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो इट इज वेरी वेरी, मुझे बहुत ये स्टोरी कभी अच्छी लगती है। सो वेन एवर लाइक आई एम लो, आई हियर दिस स्टोरी माई सेल्फ, राइट, कि यू नो हम हमेशा ऐसे बहाने बनाते हैं भगवान के लिए, राइट। हम उनको उनको बोल रहे हैं जो हमको बार बार बुला रहे, बट एक दिन आएगा जब धक्के खा के हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तब भगवान याद आएंगे, तब हम शरणागति होंगे, राइट। सो इससे बेटर है कि हमको जब पता है कि डेस्टिनेशन नोस यहाँ पे है, हम ऐसे ना जाए। ओके, सो आप डिफरेंसेस लिख लीजिए, 7 डिफरेंसेस बता रहे हैं इम्पर्सनलिस्ट वर्सेस पर्सनलिस्ट का। फर्स्ट होता है इम्पर्सनलिस्ट ऑन द लेफ्ट एंड पर्सनलिस्ट ऑन द राइट। इम्पर्सनलिस्ट का दे मेडिटेट ऑन द लाइट, ओके, सो दे मेडिटेट ऑन लाइट, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। भक्तास क्या करते हैं, विग्रह को मेडिटेट करते हैं, दे मेडिटेट ऑन विग्रहास। सेकेंड में उनको कंप्लीट सेंस कंट्रोल की जरूरत होती है, ओके। भक्तास ऑन द अदर हैंड, वो लोग देखिए सेंसेस को जो है एंगेज करते हैं कृष्णा के सर्विस में। लाइक आई सेड, जब हम मंदिर जाते हैं तो पैरों को एंगेज कर रहे हैं मंदिर जाने में, जब हम क्लास सुन रहे हैं तो क्लास भी एंगेज हो रहे हैं, आंख भी एंगेज हो रहे हैं, राइट। भगवान का देख रहे हैं विग्रह, देन वी आर एंगेजिंग, राइट। कीर्तन सुन रहे तो डांस कर रहे, सो वी आर नॉट कंट्रोलिंग द सेंसेस, वी आर डव टेलिंग इज द वर्ड श्री प्रभुपाद हैज गिव। डव टेल मतलब आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, बट उसको यू नो उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट। हम लोग सेंस कंट्रोल नहीं करते, हम लोग डर्व टेल करते हैं लाइक दैट इनटू द डिवोशनल सर्विस। थर्ड इज दे हैव टू गो थ्रू द वेदास, राइट। एंड हम लोग जो है भक्तास, वो लोग नवदा भक्ति करते हैं, वेरी सिंपल प्रोसेस। फोर्थ इज द प्रोसेस ऑफ इम्पर्सनलिज्म इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। इस तरफ आता है दैट भक्तास का प्रोसेस बहुत ईजी है, दिस इज फोर्थ, ओके। फिफ्थ इज देर इज नो कनेक्शन विद कृष्णा, दे हैव ओनली कनेक्टेड विद ब्रह्म ज्योति, लेवल 1 पे है वो लोग, राइट। बट पर्सनलिज्म जो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा है, दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा, राइट। कृष्णा रेस्पॉन्ड भी करते हैं, इफ यू फील कभी जब प्रॉब्लम में होते हैं तो भगवान उसका सोल्यूशन भी देते हैं, यू सी दे रेस्पॉन्ड लाइक दैट। सिक्स्थ इज उन लोगों को फिजिकल बॉडी पेन के थ्रू जाना पड़ता है, दे हैव टू टॉलरेट वो हीट एंड गंगा जी, वो एक्सप्लेन कर गंगा जी में वो जाके मेडिटेट करे ठंडे पानी में, राइट, कौन से भी इसमें होते हैं, सो ऑल दैट इज देयर। हम लोगों को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है भक्ति योग में, ओके। एंड ये लोग पार्शियली एक्सपीरियंस करते हैं भगवान को, दैट इज इम्पर्सनलिस्ट, वो लोग जो है सच्चिदानंद को वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, पार्शियली लेवल 1 पे वो लोग रहते हैं, राइट। बट ये जो भक्तास है सच्चित आनंद, ओके, एटर्नल जो सबसे है, वो नॉलेजेबल सबसे है, राइट। आनंद इज वेरी ब्लिस, राइट, उसको भक्तास एक्सपीरियंस करते हैं। सो दीज आर द 6 मेजर डिफरेंसेस, राइट। सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू, ओके। हमको तन मन धन हमने सुना है, राइट। तन इज यू नो वी हैव टू यूटिलाइज आवर बॉडी ऑल्सो, बॉडी एंगेज करेंगे तो मन एंगेज होगा, मन एंगेज करेंगे तो माइंड हमारा एंगेज होगा, दैट इज वाई वी से तन मन धन, राइट। यू सी टेम्पल में हम क्यों किसी को इन्वाइट करते हैं, बिकॉज जब तन लगेगा तो मन लगेगा, राइट। हम टेम्पल को जाते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो लोग आएंगे, फिर एंगेज होंगे, कभी प्रसादम खाएंगे, कभी कुछ सर्विस उनको करना रहता है, लाइक दैट दे गेट एंगेज, मन उनका लगने लगता है धीरे धीरे, राइट। देन मन लगता है तो धन तन मन धन ऐसे होता है, एंड देन दे यूटिलाइज ऑल द मनी ऑल्सो इन द डिवोशनल सर्विसेज, इधर उधर नहीं स्पेंड करके दे यूटिलाइज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, ऐसा। सो सेट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने 1-7 श्लोकास तक की बात की थी, सो दिस इज ओवर हियर। सेकेंड सेट पे चलेंगे इस चैप्टर का, दैट इज श्लोका नंबर 8। मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवासिष्य मई एव ऊर्ध्व न संशय। 8 में क्या बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे।
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. सो प्योर डिवोटीज की बात हो रही है. सी डियर डिवोटीज, हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्योर डिवोटीज, डिवोटीज और साधकास में बहुत डिफरेंस होता है. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट श्लोक व्हाट दे आर. सो प्योर डिवोटीज कौन आते हैं, जिससे गोपी है. ओके, गोपीज आर द बिगेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, राइट. वो जो सिर्फ ऐसे लोग रसा डांस होता है उनका, उसके लिए वो लोग इमेजिन करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट. इट इज नॉट जस्ट कि उनका सिर्फ रोमांस है, नो, इट इज बियॉन्ड दैट. दे आर कंप्लीट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, बड़े डिवोटीज है, राइट. सो गोपीज हो गया, यशोदा मैया हो गई, राधा रानी हो गई, सो दीज आर कॉल्ड प्योर डिवोटीज, एंड ऑल द आचार्यस, दे आर ऑल प्योर डिवोटीज. सो श्लोका नंबर 9 पे हम चलेंगे. वी विल हैव अ मोर डिटेल्ड डिस्कशन इन दिस वन. अतः चित्तम समाधातुं नासा सांक्षणोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनांजय. हे अर्जुन, हे धनांजय, तुम यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो. ओके, सो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका मन मुझ पे, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, ओके, अगर आप मन को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों को मानो. ओके, इसका मतलब क्या है कि ओके, आपसे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, कि ध्यान योग नहीं हो रहा, देन यू डू सेंस कंट्रोल. ओके, सेंस को डॉफ टेल करो, ऐसे वो बता रहे हैं. ओके, कैसे, चार नियम. अगर आपको इस्कॉन के चार नियम मालूम है किसी को, नॉट फ्रॉम द इस्कॉन डिवोटीज, न्यू डिवोटीज में बोलिए, चार नियम किसी को मालूम है. ओके, सो बेसिकली फोर नियम्स होते हैं, चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सो विच विल हेल्प अस. फर्स्ट इज नो मीट ईटिंग. ओके, सो वी शुड नॉट ईट मीट. नेक्स्ट इज नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, बिकॉज अगेन दैट विल नॉट हेल्प अस इन आवर स्पिरिचुअल जर्नीज. नशा में आपको जो है नॉट जस्ट अल्कोहल, बट आपको नॉट जस्ट ड्रग्स, बट चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, ऑल ऑफ देम ऑल्सो हैज कैफीन एंड ऑल दैट, जो इंटॉक्सिकेंट्स में ही काउंट होता है. सो वी शुड नॉट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इंटॉक्सिकेशन. बट अगेन चॉकलेट का रिप्लेसमेंट होता है कैरब. कैरब के चॉकलेट्स मिलते हैं इन इस्कॉन. So, carob is also taste उसका same रहता है, but उसमें caffeine content नहीं होता, right? So that is there. Third is no illicit sex, यानी कि शादी से पहले किसी के साथ भी संबंध रहना, that is not correct, right? So, प्रभुपाद के बहुत सारे couples थे जो unmarried थे, but उनके पास आए थे, but later they got married. Green tea also is because it is a tea, then I think we don't usually, I have never seen anybody making, so like that. So green tea also is an intoxicant. Now fourth is no gambling. ओके, जुआ. ओके, जिस चीज में मनी इन्वॉल्व होता है, वाई स्पेसिफिकली जुआ, ये जो पूरा महाभारत का जड़ था वो जुआ ही था, राइट. सो दैट यू सी युधिष्ठर महाराज सब कुछ जुआ में ही हार गए थे, द्रौपदी को भी उन्होंने लगा दिया था जुआ में, लगाना पड़ा, राइट. सो दैट इज द रीजन वाई नो गैम्बलिंग. सो दीज आर द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. जब कोई भी ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, देन that will be okay, and they have something called as kanthi mala, jo wo pehen sake, tulsi ki beads. So it's very important that you know somebody can follow this, then hamara jo spiritual journey hai wo easy ho jata hai. You can follow this and you will easily be able to go through. Some message has come from Pammi Mataji. You can kashyam, what is kashyam Mataji? It's a kashyam madam made from dhania, it's a iskon drink. Oh, okay. I am not aware, Mataji. So if it, herbal drinks milte hai, herbal drink, you have to prepare it in the house only. Okay, thank you. So we have many options. ऐसा नहीं है कि you know बहुत strict कर रहे हैं. No, हम लोग regulate कर रहे हैं. You see, we are not trying to control anything. जैसे हमारा अगर chocolate नहीं खा रहे, we have a replacement. Right? Onion, garlic नहीं खा रहे, we have a replacement that we are having all the vegetarian foods. Right? And whenever you come to ISKCON, कहीं पे भी आपके आसपास ISKCON होगा, go for a feast someday. जब कभी फीस्ट होता है, यू विल सी हाउ टेस्टी फूड इज विदाउट अनियन गार्लिक ऑल्सो, राइट. क्योंकि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यू नो कि अनियन गार्लिक के बिना खाना टेस्टी नहीं होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. प्रसादम इज सो टेस्टी विदाउट अनियन गार्लिक, एंड घर पे भी आप कभी ट्राई कीजिए, यू विल फील द टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स. सो दैट इज लाइक दैट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान की, ऐसे मन नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप सेंसेस को कंट्रोल करो. ओके, श्लोका 5 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है डांसिंग ये सब करके, राइट, ऑल द सेंसेस को हम टेम्पल जा रहे हैं, चल रहे हैं, ऑल वी आर डूइंग एंगेजिंग आवर सेंसेस लाइक दैट. ओके, सो बट हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट थिंक अबाउट डेथ, लाइक इन मटेरियल वर्ल्ड की हम अगर
बात करें, कोई भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है, राइट? उनको लगता है, यू नो डियर डिवोटीज, पहले के जमाने में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रिटायरमेंट. यस, आजकल देखते हैं क्या रिटायरमेंट भी नहीं है. आजकल लोग 60 तक 70 तक और काम करना चाहते, और काम करना चाहते. व्हाई? यू कैन नॉट इवन टेक दैट मनी होम, राइट? फिर भी जो है सब लोग उसी चीज में लगे हुए हैं. इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन. हम जो 60-70 तक भी चाहते हैं, एंड फिर हम लोग LIC पॉलिसीज लेते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, राइट? हम उसी में लग जाते हैं, यू सी, राइट? जिंदगी के साथ और बात तो सिर्फ LIC रहेगा, हमारा शरीर ना तो रहेगा ना सोल, राइट? इट ऑल शिफ्ट, राइट? ओनली LIC का कंपनी रहेगा, बट इट इज ऑफ नो यूज. उस LIC को भरने के लिए, उस EMI को भरने के लिए हम जो है और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. बाई एनी चांस फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर बेटा करो, राइट? लाइक दैट. सो दैट इज हाउ वी आर, वी हैव बीन एंट्रैप्ड. हम एंड तक हम जो है सोचते नहीं, राइट? सो नेक्स्ट बॉडी हमें क्या मिलेगी, राइट? क्यों हम इतना सफरिंग कर रहे हैं, दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट. ऑलरेडी कृष्णा को पता है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यू नो हजार लोगों में से कोई तो कोई आता है, फिर उसको रियलाइज होता है, फिर वो समझता है, फिर एक जन मेरा भक्त बनता है. दैट इज व्हाट कृष्णा टोल्ड, राइट? सो हम लोग जो कर रहे हैं डियर डिवोटीज अभी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी भक्ति. इसको हम साधना भक्ति बोलते हैं. ओके, साधना भक्ति मतलब हम लोग साधन करने की कोशिश कर रहे हैं, इट वी आर ट्राइंग जस्ट. डिवोटी बनने में बहुत टाइम है, उसके ऊपर जो थर्ड स्टेज है प्योर डिवोटीज, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सो दीज आर द थ्री थिंग्स, साधना भक्ति इज वन जो हम करते हैं, डिवोटी का स्टेज अलग होता है, देन हम प्योर डिवोटी के स्टेज में जाते हैं, राइट? सो साधना भक्ति में क्या होता है, जैसे यू सी मॉर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं इस्कॉन में, यू गो टू टेम्पल, मंगल आरती आप अटेंड करते हैं, आप आरती लेते हैं, आप फ्लावर्स रहते हैं तो फ्लावर्स स्मेल करते हैं, when you smell the flowers that is offered to the Lord, Supreme Lord, then आपका purification वहां से भी होता है through the nostrils. Nine gates बोला था ना, eyes, nose, right, ears and nose, all that. So all the nine gates के through हम purification कर सकते हैं. Then कभी temple cleaning कर लिया, तुलसी का पूजा कर लिया, कोई भगवान के लिए माला बन रही है तो आप बैठ के माला में help कर रहे हैं, right? All these things they come under the purificatory process. साधना भक्ति में chanting कर रहे हैं, that is साधना भक्ति, right? So भगवान के लिए कभी कुछ प्रोग्राम में हेल्प कर दिया आपने, कोई सब्जी लेके आए मार्केट से, कुकिंग में, शॉपिंग में हेल्प कर दिया, ऑल दीज आर सर्विसेज दैट आर देयर इन इस्कॉन. आप पर्सनली जाना चाहते हैं, देन यू कैन विजिट समवेयर एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो ये प्योरिफिकेटरी प्रोसेस होता है. श्लोका नंबर 10 और 11 में चलेंगे साथ में, दैट इज अभ्यास अपि सामर्थ्यो सी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्यशाय, नहीं क्या है ये लास्ट, अवाप्स्यसि. ओके, 11th इज अतैतत् अपि अशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्माफल त्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. क्या बोल रहे 10th नंबर श्लोक में, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे. ओके, सो एटलीस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले बोला था कि यू नो यू डू भक्ति योगा, भक्ति योगा में पूरा नहीं आप डेडिकेट करवाए, देन सेंस कंट्रोल करो. सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, आप कर्म करो, राइट? विधि विधानों को फॉलो करो, कर्म करने का प्रयत्न करो, राइट? तो इससे भी आप मेरे को सिद्धि में प्राप्त कर सकते हो. अगर ये भी नहीं होता तो कर्म के जो रिजल्ट है वो भी अर्पित करो, ऐसा वो नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे. ओके, किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने से भी असमर्थ हो, ओके, वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, तो तुम अपने कर्मों के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो. सो जो रिजल्ट है उसको भूल के तो एटलीस्ट काम करो, लाइक दैट वी आर सेइंग. We'll discuss this in more detail, but एक story पे चलते हैं. So भगवान repeatedly बोल रहे हैं कि ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो. हमने starting में बोला था कि multiple options देंगे भगवान इस chapter में. So हमको अलग 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 तरीके से बोल रहे हैं कि भक्ति नहीं हो रहा, no problem. Full time dedicate नहीं कर सकते, sense control वो भी नहीं कर सकते, गृहस्थ आश्रम में लेके अपना कर्म करो. ओके, कर्म फुली आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन यू आर वर्किंग फॉर अ बिजनेस, पूरा प्रॉपर्टी, लाइक यू आर अर्निंग 50,000, यू कैन नॉट गिव 50,000, नो प्रॉब्लम. आप जो है अपार्ट आप दे दीजिए, तो ताकि आपको उससे भी इनकम का शुद्धिकरण हो, ऐसा वो बोल रहे हैं. हरिदास ठाकुर के स्टोरी पे हम चलेंगे. सो हरिदास ठाकुर इज वन ऑफ द आचार्यस जो हमारे गुरु परंपरा में, सो ही इज वन ऑफ द आचार्यस हु हरिदास ठाकुर जो है, ही वॉज अ मुसलमान. ओके, ही वॉज अ मुस्लिम पर्सन एंड ही वॉज अ प्योरेस्ट डिवोटी. ओके, अब जो है उस टाइम पे जो मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा ये छोड़ के ये जा रहा है इनके इसमें रिलीजन, बिकॉज देयर वाज रिलीजन डिस्प्यूट्स व्हिच वर देयर
सो उनको ये जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सब जो है आचार्य से वो लोग द्वेष करते थे, अब उनको था कि इनको डिस्टर्ब करना है। एंड हर्षिला हरिदास ठाकुर इज somebody जो बहुत ज्यादा चैंटिंग करते थे, आई डोंट रिमेम्बर वो कितने, आई थिंक 1 लाख टाइम्स कुछ, आई डोंट नो हाउ मच नंबर, बहुत ज्यादा वो चैंटिंग करते थे। इनफैक्ट पूरा दिन 24/7 ही वॉज इन चैंटिंग। जो थोड़ा टाइम बचता था ही यूज टू टेक जस्ट फूड, वो भी बहुत लिमिटेड, कभी पानी पी लिया कभी बटर मिल्क पी लिया, दैट वॉज अ वेरी लाइट डाइट ही हैड। सो इस तरीके से जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको एक बार एक वैश्या को भेजा था, एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा था उनके पास कि आप जो है इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके आइए, एंड यूजुअली बिकॉज इज अ मैन राइट ही विल गेट डिस्ट्रैक्टेड लाइक दैट, उसको भेजते हैं वहां पर। अब ये इतने पावरफुल थे हरिदास ठाकुर जी, उनका जो नाम जब होता था ही वाज सो, इट वाज सो पावरफुल राइट। सो हरिदास वो उनको जो है अप्रोच करते तो ही वेलकम्स हर, बोलते हैं कि क्या चाहिए है वो। सो शी टेल्स कि मुझे जो है आपके साथ संबंध बनाना है एंड एवरीथिंग, एंड शी हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा अभी जो है राउंड बाकी है, राउंड चैंटिंग पे बाकी है, यू कम यू प्लीज स्टे हियर, आप रुकिए यहाँ पे, जैसे मेरी माला खत्म होगी देन वी विल टॉक अबाउट इट ओके, ऐसा बोलते हैं वो। अब डे वन हो जाता है तो फिर से वो आके पूछती है, एंड शी इज ऑलवेज विद हिम ओके, वो सुनती है उनका हरी नाम सुनती है वो जितना भी राउंड्स कर रहे हैं, एंड ही इज, वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी इज अ प्योर डिवोटी, साध का डिवोटी एंड प्योर डिवोटी। सो ऐसे वो जो है वन डे हो जाता है एंड वो पूरा डे चैंटिंग सुनती है, वो बोलते हैं कि अभी मेरी राउंड्स बाकी है, सेकेंड डे हम लोग बात करेंगे। सेकेंड डे चला जाता है, अगेन शी इज विद हरिदास ठाकुर एंड लिसनिंग टू हरी नाम, कुछ कुछ भी वो, फिर अगेन शी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि ये कुछ कर रहे हैं। थर्ड डे जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस लड़की में ओके, जो प्रोस्टिट्यूट आई थी उनका जो है डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोरमेंट मतलब जो ऑलरेडी है ढका हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उनके हरिनाम से वो जागृत होता है। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी ओके, इट्स नॉट दिस वन, इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी जो की हुआ है। सो उनका हरिनाम से जो है वो प्रोस्टिट्यूट उनको बोलती है कि यू नो आई मैं बहुत मुझे ऐसा भेजा गया था इनके पार्टी ने, मैं आपसे कुछ ये नहीं करना चाहती, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू, आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, मैं आपका जो है हरिनाम को फॉलो करना चाहती हूँ, एंड ही इज अ मुसलमान, वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी लाइक दैट राइट। सो ये जो हम लोग कास्ट सिस्टम पे डिस्कशंस करते हैं दैट इज नॉट करेक्ट, वी हैव समबडी लाइक हरिदास ठाकुर इज रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन ओके। सो पहले बहुत पहले की बात है, नाउ हिज नो मोर, हिज बॉडी इज नो मोर, हिज सोल मस्ट बी हियर। सो यू विद द पावर ऑफ हरिनाम, उनका इतना प्योर डिवोटीज के साथ आप रहेंगे ना डियर डिवोटीज, देन आपको ये डिफरेंसेस मालूम पड़ेंगे। सिर्फ उनका हरिनाम से जो है ये प्रोस्टिट्यूट कम्प्लीटली बदल गई थी, एंड इतनी बड़ी भक्त बन गई थी कि इसने जाके आगे आगे प्रचार किया था। सो दिस इज हरिनाम की महिमा, की एक हरिनाम जब हम प्योर डिवोटीज से सुनते हैं देन दैट मेक्स इट सो मच ऑफ अ डिफरेंस। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आता है, श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद ने भी जो है दो रीजन थे, एक तो वो खुद भी प्योर डिवोटी थे, एंड सेकेंड वॉज हरिनाम। जो वो हरिनाम लेके लेते हुए जब हिप्पीज ने पूछा था उनको कि स्वामी जी आप हमको इतना प्यार करते हैं, व्हाट डू यू वांट राइट, दे सेड कि आप चैंटिंग कीजिए, ओनली वन हरिनाम मेड ऑल द डिफरेंस राइट। अभी हम लोग आप अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे ना श्री प्रभुपाद की, यू विल सी कि कितना पावरफुल उनका मूवमेंट था। फॉरेनर्स जो है अमेरिकन गवर्नमेंट आके उनको थैंक यू बोला कि हम लोग अपने हिप्पीज को नहीं बचा सक रहे थे, कि हमारे हम लोग इतने परेशान थे कि हमारा यूथ जो है इन सब चीजों में लगा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उनको जो है साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता था, व्हाट डू यू कॉल इट, थेरेपी जहाँ पे करते थेरेपी सेशंस वो सेंटर्स में उनको भेजते थे राइट, ड्रग्स जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स राइट, वहां पे उनको भेजा था। उतना करने के बाद भी अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाए, बट श्रील प्रभुपाद ओनली विद हरिनाम ही वॉज एबल टू डू इट। सो वी आर, दैट इज द लेवल ऑफ शुद्ध भक्तास। सो ये हमको समझना है। सो कृष्ण क्या बोल रहे, चार कैटेगरी दिया उन्होंने श्लोका में, हम वैसे तो उन्होंने ऊपर से नीचे दिया, हम नीचे से ऊपर बोलेंगे। पहले बोल रहे कर्मफल का त्याग करो ओके, कर्म फल नहीं होता तो आप कर्म योग करो ओके, यानी सकाम कर्म करो ओके, वर्क फॉर कृष्णा कम्प्लीटली। वो भी नहीं होता देन यू डू साधना ओके, साधना जैसे हम लोग कर रहे हैं, साधना भी नहीं हो, साधना से ऊपर क्या, साधना से ऊपर क्या है, देन यू डू प्योर डिवोशन ओके। सो स्टेज लोएस्ट इज दिस वन, ये नहीं तो उसके, अच्छा ये भी कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, ये भी देन ये, अगर नहीं होता देन उल्टे आ जाओ, प्योर डिवोशन नहीं हो रहा साधना करिए, सेंस कंट्रोल करिए, कर्म कीजिए, कर्म फल त्याग दीजिए, ऐसा फोर स्टेजेस हमको बता रहे हैं। मूविंग ऑन श्लोका नंबर 12 पे चलेंगे, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 8 श्लोकास। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास्त्यागच शांतिर अनंतरम, सेम ही बताएंगे यहाँ पे भी। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से
श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हम लोग सब लोग मन शांति के लिए ही ढूंढ रहे हैं, तो प्रोसेसेस दे रहे हैं, राइट। यू डू प्योरिफिकेशन के लिए चार स्टेजेस, आप उनमें से जो आपका कैपेसिटी इंटरेस्ट जो जितना लेवल है आपका डिवोशन का वो आप कर सकते हैं, लाइक दैट। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर सॉरी श्लोका नंबर 13-14। सो यहाँ पे जो है प्योर डिवोटीज, जैसे हमने बोला भक्तास के बारे में बात होगी, सो विल डिस्कस है 13-14 साथ में आ रहे श्लोकास। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्राः करुण एव च निर्मामो निराहंकारा समा दुःखा सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्ता समे प्रियः। ओके, क्या बोल रहे हैं, जो किसी भी किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, means tolerant, सदैव आत्मतुष्ट है यानी कि सैटिस्फाइड है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सो भगवान भक्त जो हम बात कर रहे हैं, जिस लेवल की हम भक्त की बात कर रहे हैं, उसका प्रोसेस ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या उनको करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सभी जीवों का दयालु मित्र है। ओके, ये पूरे जो है पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप प्लीज इनको जो है नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, दैट ही शुड बी दयालु, राइट, ही शुड बी वेरी वेरी मर्सीफुल, एंड सबका मित्र होना चाहिए, एंड जो किसी को भी स्वामी नहीं मानता है। जैसे आजकल की दुनिया में हम यही देखते हैं ना कि अपने आप को ही स्वामी मान रहे हैं, दैट आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, मैं करके बकरी बन रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, देन मिथ्य अहंकार नहीं होना चाहिए। ओके, सेल्फ ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं मुझे अगर प्रॉफिट मिला है दैट इट इज बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, राइट। क्रेडिट नहीं दे रहे कि जो नेचुरली रिसोर्सेस आ रहे हैं उसको कुछ क्रेडिट नहीं है, सब जो किया मैंने किया, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। एंड जो सुख और दुख में जो सुख और दुख में संभाव रहता है, हमने पहले भी बात किया कि समर सीजन में समर ही होगा, विंटर में विंटर ही होगा, राइट। दुख और सुख में स्थिर है, ना ज्यादा खुश हो रहा है ना कम, ना ज्यादा दुखी हो रहा है, ऐसे संभाव न्यूट्रल रहे। सहिष्णु, ही शुड टॉलरेट एवरीथिंग। ओके, वेरी वेरी टॉलरेंट, एंड दिस इज श्लोका नंबर 13, नो ओके, सेल्फ टॉलरेंट इज द राइट वर्ड। ओके, एंड सदैव आत्मतुष्ट है, ही इज वेरी वेरी सैटिस्फाइड कि जो आया है भगवान की कृपा से आया है, एंड भगवान ने मुझे जो इंटेलिजेंस दिया उसे मैंने काम किया, एंड एवरीथिंग इज कम आउट ऑफ इट, लाइक दैट। वेरी वेरी सैटिस्फाइड, जितना है उतने में खुश है, लाइक दैट। एंड आत्मसंयमी है यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल है उसमें, सेल्फ कंट्रोल है, मालूम है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग पे नहीं जाना है, नो दिस इज नॉट गुड फॉर मी, मन करता है रॉन्ग चीज करने का, नहीं करना है, सेल्फ कंट्रोल, ओके, लाइक दैट। और निश्चय, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। ओके, जैसे कि हम सब राइट डिटर्मिनेशन के साथ 6:57 o'clock क्लास ज्वाइन होते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन, बिकॉज वी आर ऑल डिटरमाइंड दैट वी वांट टू लर्न, सो डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, ऐसे वो बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा, लाइक दैट। सो ये सब भक्त के लक्षण है। अब आप इसमें से गिन लीजिए कि हम सब में कितने लक्षण हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ नहीं और ज्यादा जरूरत है। ओके, सो फॉर मी तो इट इज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू इम्प्रूव, सो आप लोग का मुझे मालूम नहीं है, बट आई हैव टू इम्प्रूव ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो इट इज लाइक दैट। श्लोका नंबर 15 पे हम चलेंगे। यस्मान् नो विजयते लोको लोकान् नो विजयेत, ओके, यस्मान् नो विजय, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यस्मान् नो विजयते लोको लोकान् नो विजयते च यः हर्षमर्षाभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। 15 में क्या बोल रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, क्या बोल रहा है कि कभी कष्ट नहीं पहुंचाता है, हम तो अपने घर वालों को इतना कष्ट पहुंचाते हैं, बाकी ओके बाद में बात करेंगे। ओके, सो वी आर एट दैट लेवल, हम लोग घर वाले इतने परेशान है हमसे, सो वी आर एट दैट स्टेज, राइट। सो अन्यों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, इसका हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था अम्बरीश महाराज का, राइट, कैसे वो जो है उनके गुरु के प्रति कितना भी उनके गुरु ने उनको मारने की भी कोशिश की, दुर्वासा मुनि ने, राइट, देन ऑल्सो वो बोलते थे कि एंड में कि वो मेरे गुरु है, इक्वली उनको सत्कार आदर सत्कार करके ही उन्होंने द्वादशी पे भेजा था, ऐसे। ओके, सो
हम लोग ऐसे इनका क्वालिटीज बोल रहे हैं लाइक यू नो. एंड यहाँ पे हमने पहले प्रोपराइटरशिप की बात की थी. वहां पे क्या है, प्रोपराइटरशिप का मतलब होता है कि ये मेरा है, मेरे वजह से हुआ है एंड मैंने किया. ओके, सो दिस इज प्रोपराइटरशिप. मैं की गाड़ी चलती है उसकी, उस गाड़ी में वो जाता है. सो एनी विच पे, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है. एंड आगे क्या बोल रहे हैं, जो सुख दुख में और भय तथा चिंता में संभव रहता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एंड सबका प्रिय है, राइट? जो खुद ही इतना हैप्पी पर्सन है उसको सब लोग पसंद करेंगे. सो इज वेरी फ्रेंडली एंड यू नो इज वेरी डियर, सबको पसंद है वो. इवन इफ इट ही इज लाइक क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, पीपल विल लाइक दैट पर्सन, दे कैन सी द प्योरिटी, ऐसे वो बोलते हैं. सो एक्चुअली बिगेस्ट, ओ यहाँ पे एक पास्ट टाइम हमने लिखा है, सो वी विल डिस्कस दैट. सो बिगेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या होती है, हम हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैरिटी, बिगेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी आप किसी को भक्ति में लेके आओ, राइट? जो ये टेम्पररी मटेरियल चीजें वो तो आते जाते रहेंगे, आप लाइफ के बाद तो वो रहेंगे भी, बट बिगेस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज की जब आप उनको इस चक्र से जो है निकाल के नेक्स्ट लाइफ उनका जो अच्छा करेंगे, लाइक यू सी हमारा लाइफ, अगर No, we are doing this 18 days course. Iske baad we know that our bhakti will start from the next stages, right? So we are on a safer side. That is not a problem. Ek pastime hum discuss karenge yahan pe. To ye Jagannath Puri ka pastime hai. Aap log ko maloom hai Jagannath Puri? Kitne log gaye hai Jagannath Puri? Oh, aap log gaye hai. Very lovely. Dipali Mataji, Ankita Mataji and Pammi Jayanti Mataji gaye hai. Archana Mataji nahi gaye hai. She's very sad. Main bhi nahi gayi hu Mataji. तो मेरा भी इतना फॉर्चून नहीं है कि मैं अभी तक जा पाऊँ, कभी कृपा होगी तो वी विल गो डेफिनेटली. सो जगन्नाथपुरी की यहाँ पे बात हो रही है. प्रताप रुद्र नाम के एक राजा थे. ओके, नाउ प्रताप रुद्र राजा क्या करते थे, सो ही वाज अ वेरी वेरी प्योर डिवोटी. सो ये अभी जगन्नाथपुरी में कैसा होता है, रथ यात्रा चलती है. हमने बोला था ना फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो भगवान खुद चल के आ जाते हैं बाहर की मैं दर्शन देता हूँ अपने डिवोटीज को करके. रथ यात्रा पे वो आते हैं जब फॉरेनर्स जो है ज्वाइन होते हैं. जब ये रथ यात्रा चलती है तो एक्चुअली जहां जहां रथ चलता है उस रास्ते को पहले ही क्लीन करते हैं, झाड़ू मारते हुए क्लीन करते हैं डिवोटीज, आगे आगे से क्लीन करते हैं, फिर रथ पीछे पीछे आता है. तो ये जो राजा थे, राजा ही वॉज अ वेरी वेरी बिग राजा, वेरी वेरी रिच, उनका सारा किंगडम अच्छा था, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस. बट ये इतने हम्बल थे कि वो वहां पे आके झाड़ू मारते थे. यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू इमेजिन दिस थिंग कि कोई राजा इतना हम्बल कैसे हो सकता है, राइट? आजकल कोई मिनिस्टर करता है तो उनको पहले वीडियो शूटिंग का सारा मीडिया चाहिए होता है, देन वो लोग करते हैं, राइट? बट वहां पे ऐसा नहीं था, नो फुटेज, नथिंग, स्टिल देयर यूज्ड टू डू. सो दिस वॉज अ हम्बल ऐसा था. ओके, अब क्या हुआ था, He was a unmarried person. तो कांचीपुरम से एक राजा आए थे जिसका नाम था पुरुषोत्तम देव. ओके, तो इस पुरुषोत्तम देव की एक बेटी थी और इनको इनको मन था कि मैं अपना मैरिज जो है इस हम्बल डिवोटी के साथ इनका मैरिज फिक्स करूं. सो अब जो है रथ यात्रा का टाइम था. सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा फेस्टिवल हमारा कोई रिश्तेदार है आसपास नहीं रहता है या फिर हम चाहते हैं कि एक मेरे सिटी में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो हम इनवाइट करते. उसी तरीके से ये जो प्रताप रुद्र थे ये इनवाइट करते हैं अपने ये संबंधी को कि जो है आप यहाँ पे आइए, रथ यात्रा फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, राइट? बट वो किसी रीजन की वजह से, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ राजा, देन उसके पास टाइम नहीं था. देन वो अपने मिनिस्टर्स वगैरह को भेजते कि आप जो है यू गो एंड यू प्लीज मेरे तरफ से मेरे बिहाफ में आप चले जाए, राइट? अब इनके मिनिस्टर्स क्या देखते हैं कि इतना बड़ा राजा जगन्नाथपुरी का रथ आ रहा है तो ये झाड़ू मार रहे, राइट? एंड ये लोग डिवोटीज नहीं थे, जो इनका कांचीपुरम के राजा थे ये डिवोटी नहीं थे, तो ऑब्वियसली इनके मिनिस्टर्स भी नहीं रहेंगे. तो इन्होंने जाके कंप्लेन किया था उनको कि आपके जो राजा है, राइट, कि वो उनको सजेशन देते कि आप, मुझे नहीं लगता आप इनसे जो है अपनी बेटी का शादी कराओ, राइट? बिकॉज वॉट ही डिड देयर वॉज ही वॉज यू नो झाड़ू मार रहे थे वहां बैठ, ही वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, राइट? सो वो बोल रहे क्या ऐसे, वॉट काइंड ऑफ राजा ही इज, हाँ ऐसे होता है क्या, राजा स्टेटस ही नहीं है, कुछ भी काम कर रहे हैं, राइट? सो मैरिज कैंसिल, ये बात पे आ जाते हैं, राइट? वो तो राजा भी सोचने लगे, हाँ आप लोग बात सही कह रहे हैं, प्रेस्टीज का कुछ इन्होंने ध्यान नहीं रखा है, राइट? सो क्या हम लोग राजा के लेवल पे है, झाड़ू मारने वाले के लेवल पे, क्या ऐसा ऐसा सोच के मैरिज कैंसिल कर देते हैं. अब जो है प्रताप रुद्र बहुत जो है टेंशन, प्रताप रुद्र को बिल्कुल अच्छा लगता है जब उन तक ये बात पहुंचती है, ही फील्स वेरी मच इंसल्टेड, राइट? अब वो क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं. That he wanted to go for a war with this king and वो हार जाते हैं. ओके, जाते हैं और हार भी जाते हैं. Then when he comes back, तो जगन्नाथपुरी में वो दर्शन नहीं लेते इस बार, राइट? तो एक ब्राह्मण आके उनको मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी से होते हुए आए हैं ना, आपने दर्शन लिया, राइट? तो बोलते हैं कि नहीं मैंने दर्शन नहीं लिया, राइट? Did you pray to him? They asked, right? So they said no, I did not pray to him, right? So
वो बोलते हैं कि नहीं आप एक काम करो, आप जो आप ये जो है जगन्नाथपुरी में इसमें दर्शन लो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन लेके देन यू गो एंड फाइट वन मोर टाइम फॉर गॉड, ऐसे बोलते हैं। सो आप क्या होता है ये प्रे करते हैं, बट इतने में क्या हो जाता है कि जो कृष्ण और बलराम है राइट, जो जगन्नाथ जगन्नाथ इज कृष्णा ओनली, जगन्नाथ इज एंड कृष्णा बोथ सेम, बलदेव बलराम इज सेम राइट। सो कृष्ण बलराम जो है इनके पहुंचने से पहले वो किंगडम में चले जाते हैं, वहां पर युद्ध करते हैं, वहां पर विजयी बन के फिर आ भी जाते हैं, इनके बिहाफ में वो चले जाते हैं। सो कृष्णा फाइट करते हैं। नाउ जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कि युद्ध तो हो गया समाप्त, हमारी किंगडम जीत गई, तो उनको रियलाइज होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की राइट, मैंने इनको ये भी नहीं किया था। सो इनका एंड इवन द राजा जो इनकी क्या नाम था उनका, कांचीपुरम राजा राइट, पुरुषोत्तम देव राइट, उनके राजा को भी ये रियलाइज होता है कि उन्होंने इस चलते नहीं किया था झाड़ू वगैरह जो कर रहे थे वो, नॉट दैट ही डिड नॉट हैव एनी पीपल टू डू द झाड़ू राइट, वो अपने डिवोशन अपनी भक्ति से उन्होंने किया था, उनको प्रेस्टीज ऐसा नहीं कि वो उनको याद नहीं था कि वो राजा है। सो ही रियलाइज इवन द कांचीपुरम राजा रियलाइज कि उन्होंने आउट ऑफ भक्ति किया है ये सब। सो उन्होंने फिर उनकी जो है वो शादी करा देते हैं। ओके सो इससे क्या समझ में आता है डिवोटीज कि हम अगर दो कदम आगे बढ़ते, जैसे कृष्ण और बलराम उनको देख नहीं सके कि उनका डिवोटी का इंसल्ट हो गया, दे गेम एंड दे फॉट द वॉर लाइक दैट, कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी एक्सपीरियंस होता है कि हम जब बहुत प्रॉब्लम में होते हैं कहीं ना कहीं हमको सोल्यूशन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको सोल्यूशन मिलता है, हमको नहीं समझ में आता है वो सोल्यूशन, बहुत टाइम बहुत साल के बाद हमको लगता है अरे अच्छा हुआ कि मैं ना उस वो डिसीजन मैंने नहीं लिया था, आई थैंक God that you know, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अगर उस डिसीजन को ले लेती राइट, उस लड़के से शादी कर लेती, उस लड़की से शादी कर लेती राइट, इस कॉलेज में चले जाती, उस कॉलेज में चले जाती तो मेरा क्या होता, उस एसोसिएशन में रहती मेरा क्या होता, उन फ्रेंड्स के बीच में रहती तो क्या होता? अच्छा हुआ ना वो दोस्त छूट के चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होता है आपके साथ राइट लाइक दैट। सो समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस लीला बट एवरीथिंग इज फॉर आवर गुड। सो डिवोटी का ये क्वालिटी होता है ये हम बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एक एक रहना है ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज राइट। सो ही वॉज भूमंडल के पूरे राजा थे परीक्षित महाराज राइट, ही वॉज द सन ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र थे, कोई कौन बोलेंगे? अभिमन्यु के, अर्जुन के पुत्र थे राइट। सो लाइक दैट। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था परीक्षित महाराज के साथ, उनको एक कर्ज मिला था, उनके साथ उनको एक श्राप मिलता है कि आपकी जो है डेथ होगी 7 दिन में, अभी घड़ी चल रही है, 7 डेज में आपकी डेथ होगी, एक सांप आके आपको काटेगा और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी राइट। सो इमीडिएटली क्या करते हैं वो सैड नहीं होते हैं। यू सी हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एक रहना है। सो वो क्या करते हैं, वो विचलित नहीं होते, वो बोलते अरे 7 दिन है, टाइम कम है मेरे पास, देन आई विल क्विकली गो एंड मैं देखूंगा, आई विल सी हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम टू गो बैक टू गॉड, भक्ति में फिर से साधना में कैसे अपने को स्ट्रॉन्ग करूं। ऐसे वो जो है सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं, जो 7 दिन और 7 रात पूरा मिला के श्रीमद भागवतम उनको समझाते हैं। पूरे श्रीमद भागवतम में 12,000 श्लोकास होते हैं, 12,000 श्लोक, जैसे भागवत गीता में 700 श्लोकास है, भागवतम में 12,000 श्लोकास होते हैं। और ऐसा नहीं है कि चलो 7 दिन हो गए फटाफट हम लोग श्लोका कंप्लीट करते, ऐसा नहीं है वो इतना। अगर आप उनके क्वेश्चंस देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, कृष्णा बुक में भी उनके बहुत सारे आते हैं, क्योंकि कृष्णा बुक जो है 10th कैंटो ऑफ श्रीमद भागवतम जो है उसका ही एसेंस है पूरा कृष्णा बुक में। सो यू आर रीडिंग द 10th कैंटो लाइक दैट। सो सुखदेव गोस्वामी के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं उस बुक में, दैट वॉज सुखदेव गोस्वामी। एंड उन्होंने कुछ भी खाना भी खाया भी नहीं था, ऑल 7 डेज 7 नाइट नो फूड नो स्लीप, ओनली कृष्ण कथा। सो दैट वॉज द मूड ऑफ प्योर डिवोटीज राइट। और ये क्यों कब हम कर सकते हैं, why he is doing that, because he knows that you know he has no time, and what do we do, hum log accumulate karte hain last moment tak bhi, you know, fir jayadat bhi hum kisi ke naam pe karke jayenge, ye karke jayenge, you know, I was hearing in the lecture only that Microsoft Bill Gates has donated already, unka jitna bhi property hai 75% property if I'm not wrong he has already donated in charity right। अजीम प्रेम जी वॉज वन ऑफ द अदर, उन्होंने भी अपना मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, करोड़ों के मालिक है, 27,000 करोड़ उन्होंने कुछ दे दिया, बांट दिया। हो सकता है ना कि वो लोग को भी रियलाइज हुआ है दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग राइट, और मे बी वो लोग चाहते हैं कि अपना नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अगेन दे वॉन्ट टू री एस्टैब्लिश एवरीथिंग राइट। सो यू सी मनी दे आर ऑल समवेयर, उनको रियलाइजेशन होता है कि मनी में कुछ नहीं है, वरना ऐसे छोड़ के नहीं जाते। That even there is, I think Warren Buffett भी है, businessman,
वो भी ऐसा किया उन्होंने. देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने जो है अपना जो सब कुछ दान कर दिया है. राइट, समवेयर देयर आल्सो सेल्फ रियलाइज, ऐसा हम बोलते हैं. राइट, सो काम एंड कंपोज रहना है. कुछ भी हो जाए लाइफ में, वी हैव टू स्टे काम एंड कंपोज. ये हमारा नेचर नहीं है तो टाइम लगता है, बट ऊपर ऊपर हमको फिलोसफी याद रहनी चाहिए. ओके, तो एक और स्टोरी आती है कि अभी हमने प्योर डिवोटीज की बात की ना, अब मटेरियल लोगों के लिए एक स्टोरी बताया था प्रभु जी ने कि एक जो राजा थे, राइट, ही वॉज ऑन द डेथ बेड. राइट, अब ये जो डेथ बेड पे आ गए तो डॉक्टर्स इनके पास आते हैं और ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू डाई. थोड़े से मिनट उनके पास बचते हैं और अब ये जो है, एक तो उन्होंने प्रॉपर्टी कुछ नाम पे नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं कि अब पापा ने जायदाद नहीं दिया, किसको जाएगा ये. ओके, सो वो लोग डॉक्टर्स को कैसे ना कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ तो औषधि दीजिए इसको, डू समथिंग. ओके, उनको एक मिनट के लिए बात कराओ ताकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएंगी, ऐसा वो कुछ बोल सके. राइट, मेक हिम टॉक वंस. तो डॉक्टर ने जैसे जैसे जो है थोड़ा थोड़ा उनको एफर्ट लिया, पहले उन्होंने फिर आंखें खोली, फिर थोड़ा सा मुंह खोलते हैं 1 मिनट के लिए. 1 मिनट का टाइम होता है और जैसे ही वो 1 मिनट खुलते हैं तो सब उनके आसपास होते हैं, ठीक है, उनका फैमिली. फिर तो वो लोग सोचते आप पापा जी जो है बोलेंगे कि किसके नाम पे है, एंड ही विल गो, उनको जाना है जाने दीजिए, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है. दैट वॉज द फैमिली लाइक दैट. सो अब वो जब आंख खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बिल्ली जो है उनका पर्दा खा रही होती है. ओके, पर्दा, कर्टन. ओके, एक बिल्ली उनका कर्टन खा रही होती है. जैसे ही वो आंख खोलते बोलते, अरे इतना महंगा कर्टन है, वो कर्टन खा रही है, आप लोग कैसे ध्यान रख रहे हो फैमिली का, इतना प्रॉपर्टी है, आप क्या करोगे, ये वो करते करते उसका जो 1 मिनट है वो भी चला जाता है. इसी एंड मोमेंट पे भी वो ये सोच रहा है कि बिल्ली पर्दा खा रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड मोमेंट. सो इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं होती है. सो दिस इज हाउ, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मटीरियल पीपल एंड प्योर डिवोटीज. प्योर डिवोटीज एंड लाइफ में सोचते हैं कि कृष्ण का स्मरण कैसे करें, एंड यू नो अदरवाइज मटेरियल पीपल की तरह ऐसा थिंकिंग होता है. इवन श्रील प्रभुपाद के बारे में यहाँ पे मेंशन आता है, क्वालिटी की बात हो रही है प्योर डिवोटीज की. ओके, श्रील प्रभुपाद जब फॉरेन में थे, देर वॉज अ प्लेस कॉल्ड बावरी, BOWERY. ओके, बावरी नाम की एक जगह थी जो एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट्स का ही जगह था. राइट, प्रभुपाद हैड नो मनी, नो नथिंग, नो प्लेस टू स्टे. राइट, बट उनको प्रीचिंग वहां पे करना पड़ा, एंड प्रभुपाद इतने अच्छे प्रीचर थे कि वहां पे भी उन्होंने हरिनाम का संकीर्तन किया, एंड वहां पे भी जो है उन्होंने वही उसी प्लेस की बात कर रहे थे अमेरिकन गवर्नमेंट की, ये प्लेस को कोई चेंज नहीं कर सकता. बट दैट प्लेस अगेन केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, सब कुछ चेंज हो गया था. अगेन दिस इज फॉर हरिनाम महिमा जो हम बता रहे हैं. ओके, सो वो एक बड़ा सा एक जो सीढ़ी होता है ना, आपने देखा फॉरेन के बिल्डिंग्स में ऐसे बैक साइड पे सीढ़ियां होती है, मूवीज में भी दिखाते हैं बैक साइड पूरा. राइट, सो यू सी दैट सीढ़ी पे प्रभुपाद जो है बैठे रहते थे 70 इयर्स, बुढ़े से एकदम बूढ़े इंसान, रिंकल्स है उनके चेहरे पे, लोग जो लड़की आती थी वहां पे देखते थे इतना ओल्ड मैन है ये वो ऐसा. बट यू नो हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, 70 का ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ एंड आई हैव टू हेल्प ऑल द सोसाइटी, ऐसा करके उन्होंने फिर हरिनाम संकीर्तन जो है वो किया था. एंड विदुर जी का भी यहाँ पे मेंशन आता है कि विदुर एंड दुर्योधन. राइट, सो विदुर जी दुर्योधन को बोलते हैं बार बार, राइट, कि आप महाभारत का युद्ध मत कीजिए, इट इज नॉट गुड. बहुत सारा सजेशन मिलता है, आप सब लोग को मालूम होगा जिन्होंने महाभारत पढ़ा है. सो दुर्योधन उनको मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इट इज गुड, मैं जो कर रहा हूँ सही, अहंकार था ना उनमें. सो ऐसा, सो लेकिन वो फिर जब गुस्से में चले जाते तो विदुर जी उनको समझा समझा के थक जाते हैं. अब उनको मालूम रहता है कि आई हैव टू गो. सो वो कैसे यूटिलाइज करते हैं टाइम को, वो तीर्थ स्थान पे जाते हैं. राइट, उस टाइम पे ही इज नॉट लाइक कि अभी इन्होंने ये कर दिया, अब युद्ध में तो सबने जाना है, राइट, उसके पहले मैं तीर्थ कर लेता. राइट, सो दैट लाइक दैट ही वाज इन तीर्थ यात्रा. एंड नेक्स्ट वाज प्रहलाद महाराज. यू सी, हम लोग क्यों इतने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करें, बिकॉज वी हैव सो मेनी रोल मॉडल्स. राइट, प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका था तब भी वो कृष्ण का नाम ले रहे थे, आग में डाला था तब भी कृष्ण का नाम, सांपो के बीच में डाल दिया तब भी कृष्ण का नाम, एवरीवेयर ही वाज सिंगल माइंडेड. राइट, ओनली कृष्णा कॉन्शियस लाइक दैट. सो आगे के श्लोक हम डिस्कस करेंगे, वी आर इन श्लोक नंबर 15 पे है क्या, 15 हो चुका है, 16 पे हम चलेंगे, जस्ट 4 श्लोक मोर. आई विल जस्ट रीड इट आउट, इसमें एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं. अनापेक्षा सुचिदक्षा उदासीनो गताव्यथा सर्वारंभा परित्यागी यो मद भक्ता समेप्रियः. मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कल्पों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, ओके, दक्ष है, चिंता रहित है, विदाउट एनी केयर्स, ओके, एंड समस्त कष्टों से रहित है, फ्रॉम ऑल द पेन्स, एंड किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करता,
कोई रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, मुझे अति प्रिय, एक मिनट, मुझे अतिशय प्रिय है, इज द मोस्ट डियर टू मी, ये वही क्वालिटीज डिस्कस हो रही है अगेन. नाउ 17 श्लोका में चलते हैं. यो न हर्ष्यति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभा 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 प्रदित्यागी भक्ति भक्तिमान यह समेप्रिय. जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था. 18-19 श्लोक का 7 में आ रहे हैं. ओके, डुअलिटीज में, द्वंद में समान रहना है. 18-19 समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगा विवर्जितः जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह ना करता है, जो ज्ञान से दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मेरे और मुझे अत्यंत प्रिय. मतलब अटैच नहीं है, किसी भी चीज से अटैच नहीं है, वो ऐसा पर्सन मेरे लिए बहुत प्रिय है, ऐसा बोल रहे हैं. श्लोका नंबर 20 में चलेंगे. ये तो धर्मा, लास्ट श्लोका फॉर द क्लास. ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपाश्यते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते तीवमे प्रिय. जो इस भक्ति में, भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझ पर अपना चरम लक्ष्य बनाकर सिद्ध श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है. Those who follow this path of devotional service and engage themselves with faith, विश्वास के साथ जो बताया हुआ रास्ता है उन पे जो चलते हैं, वो मुझ तक पहुंचते हैं, अल्टीमेट सुप्रीम गोल तक पहुंचते हैं. एंड दे वेरी वेरी डियर टू मी. एक बार वेरी नहीं लिखा है, दो बार लिखा है, वेरी वेरी डियर टू, सो दे आर वेरी डियर टू श्री कृष्ण. ओके, सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि नेक्टेरियन पाथ, ये जो हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं डियर डिवोटीज, दिस इज अ वेरी नेक्टेरियन पाथ. आप जैसे जैसे इस रास्ते पे चलेंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी, आप सीख जाएंगे कि कैसे द्वंद्वों में धीरे धीरे जो है एकाग्र रहना है, राइट. एंड वॉट वी कैन डू इज वी कैन डू जस्ट वन माला एवरी डे. जो लोग माला करते हैं बहुत अच्छा है, वेरी वेरी नाइस, बट those who are not chanting yet, आप सभी से हाथ छोड़ के विनती है कि आप जो है एटलीस्ट वन माला यू डू इन वन डे. ओके, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ. आपको बहुत सारी मालाएं नहीं करनी है, जस्ट डू वन माला. वाई? यू टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ हरे कृष्णा चैलेंज. ओके, आप चैंटिंग कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस. ओके, इट इज प्रैक्टिकल, ये इमोशनल लेवल पे नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस. डियर डिवोटीज, वी टॉक ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, सो यू डू इट. हम में जितने इम्प्योरिटीज है वो कैसे चले जाते हैं हमको मालूम पड़ता है. दैट इज द रीजन व्हाई डू यू थिंक यंगस्टर्स लाइक अस आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दे नो दैट देयर इज सम कनेक्शन, राइट. वो एक्सपीरियंस करते, 17-16 के फॉरेनर बच्चे, उनके आज के वो लोग उस टाइम पे श्री प्रभुपाद के साथ थे, 17 and 16 and 18 ईयर्स, दे गॉट ट्रांसफॉर्म, दे हैड अ लॉट ऑफ करियर. ऐसे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको आईलैंड खरीद के दे सकते थे, स्टिल दे विल डू इट बिकॉज दे सॉ समथिंग हैपनिंग प्रैक्टिकली. सो यू डू हरिनाम बिकॉज इट इज योग धर्म, इट विल वर्क. मेडिटेशन, यज्ञ एंड भगवान की सेवा, दैट विल नॉट वर्क फॉर दिस योगा, वी हैड डिस्कस्ड पहले. सो योग धर्म इज चैंटिंग. तो आप लोगों से विनती है कि आप प्लीज 10 मिनट्स की चैंटिंग हर रोज कीजिए. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द फ्यूचर क्लासेस जब हम चैंटिंग पे एक सेशन लेंगे. एंड सेकंड इज भोग अर्पित जरूर करना, राइट. कृष्ण आपको बहुत ज्यादा वैरायटी बनाने का, कुकिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सबके शेड्यूल्स बिजी है. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. ओके, पत्रम तुलसी लीफ आपको अर्पित करना. सो यू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास आप चढ़ाइए भगवान को, बट तुलसी जी के साथ चढ़ा के आप जस्ट रख दीजिए. बहुत मंत्र अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. इफ यू वांट टू देन यू कैन डू दैट. अच्छा है अगर आप करते हैं, बट प्लीज श्रद्धा के साथ आप एक ग्लास चढ़ा सकते हैं. इट विल जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ टाइम, जस्ट सी हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक. सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो जेल का एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे. लाइक सपोज कोई जेल में है कोई इंसान, आप क्या है, मटीरियल वर्ल्ड कैसा है और
हम कैसे उसको छुड़ा सकते हैं. लाइक यूजुअली व्हाट वी डू, जेल में है चलो ठीक है, उसको जो है कभी किसी ने बुक्स दे दिया राइट, किसी ने उसको खाने पीने का घर से सामान दे दिया राइट, ऐसे हम कभी उसको थोड़े बहुत जो है कंफर्ट दे दिए राइट, थोड़ा कुछ अच्छा सा कपड़े दे दिया. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग चैरिटी. सेकेंड जो है वो उसको इतना, सेकेंड पर्सन इज इतना नॉलेज वो उसको दे रहा है कि कभी वो अपने कर्मों को जो है गलत ना करे. He's giving him so much knowledge that he can come out of the jail, right? Which one is better? आप उसको जेल में रख के ही इतना सारा फैसिलिटी दे रहे, that is better, और आप उसको जेल से छुड़ा रहे, that is better. Please answer. Unmute कीजिए. नंदिनी माता जी, पम्मी माता जी, yes. Yes, माता जी. उन्हें ज्ञान देना ज्यादा बेहतर है. नॉलेज गिविंग, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. सो दैट इज हाउ भक्ति इज आल्सो लाइक दैट. ओके, सो डायरेक्ट भक्ति इज ऑलवेज 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 बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल. इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है. ओके, यू डू द चैंटिंग, जस्ट डू वन राउंड ऑफ चैंटिंग. आपको मैं एक वीडियो भी भेजूंगी हाउ टू डू द चैंटिंग, इट्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन. उसके अलावा कुछ डाउट्स होता है वी विल डिस्कस. मीनवाइल, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग द क्लास टुडे. And very very interesting devotional service. बहुत प्यार से, you see God कितना प्यार करते हैं हमसे, हर तरफ से वो हमको फिटिंग दे रहे हैं, यहाँ से भी करो, वहां से भी करो, यहाँ से भी करो. You do please do something, कुछ तो करो ऐसे वो, because he's a father. Okay, पिता, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, when we are parents, then we can understand. So he's our real father जो सब कुछ बनाया है. Because everything we have to leave, अगला जन्म पिछला जन्म कुछ याद नहीं रहता है. So it's better that we follow the guidelines जो हमें मिला है. It's a manual of life जो हमको मिला है, भगवद गीता. सो वी फॉलो दैट. थैंक यू सो मच. दैट वाज डिवोशनल सर्विस फॉर टुडे. नेक्स्ट चैप्टर क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं. आई थिंक इट इज थ्री मोड्स ऑफ नेचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, 13 चैप्टर इज नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस. ये आगे के चैप्टर्स ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं ये चैप्टर्स, बिकॉज आई वॉज एबल टू रिलेट वेन आई वॉज रीडिंग भगवद गीता पहले. प्रकृति, आगे प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, दिस इज द चैप्टर नेम. छोटा सा ही चैप्टर है, वी विल डिस्कस इट. थैंक यू. हरे कृष्णा टू एवरीवन. क्वेश्चंस टाइम. पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं. सो नंदिनी माता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. कुछ आप पूछ रहे थे बीच में, उसके बाद विल टेक पम्मी माता जी क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन मतलब बहुत छोटा सा है कि महामंत्र में हम राम भगवान का नाम क्यों लेते हैं, मतलब शिव भगवान के ज्यादा मतलब उनको प्रिय है. एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट दिस डियर डिवोटीज. आई विल टेल यू हरे कृष्ण महामंत्र का एग्जांपल क्या होता है. व्हेन वी आर सेइंग हरे कृष्णा, हरे तीन वर्ड्स आते हैं, हरे कृष्णा एंड रामा. 16 जो वर्ड्स होते हैं उसमें तीन वर्ड्स ही रिपीट होते हैं, हरे कृष्णा एंड रामा. सो दिस इज कृष्णा इन बिटवीन. ओके, हरे मीन्स राधा रानी, श्रीमती राधा रानी. सो हरे इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा, मतलब इट्स एन एनर्जी ऑफ कृष्णा. और राम जो है एक्चुअली जो रमते हैं, रमना मीन्स जो आनंद प्रोवाइड करते. एक्चुअली रमन का मतलब होता है राधा, रमन बोलते हैं ना, जो राधा रानी को आनंद प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रमन. उस रमन में से निकला राम. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राम. क्यों हम इस राम की बात करें? एंड देयर इज अ वृंदावन में आपको टेम्पल में मिलेगा राधा रमन, बहुत सुंदर है उनका. आई थिंक आई हैव इट इन माय व्हाट्सएप, दिस वन नहीं, फोन का ये है, यू सी आई विल शो यू. सो राधा रमन, ऐसा बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, आई शो यू राधा रमन का फोटो. इट्स वेरी इज वेरी ब्यूटिफुल. अच्छा ठीक है, आप ये दिस वन दिस इज राधा रमन. ही हैज अ टेम्पल इन वृंदावन एंड ये सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है, ये बनाया हुआ डीटी नहीं, प्रकट हुआ है डीटी. आप कभी राधा रमन जी की स्टोरी पढ़ना, एक्सीलेंट स्टोरी, पास्ट टाइम इनका बहुत बहुत बढ़िया रहता है एंड बहुत सुंदर ये विग्रह है. सो जब हम ऐसा, मैंने पूछा था मेरे मेंटर को भी दैट व्हाई राम इज यूज्ड. सो दे हैड कंफर्म दैट यू नो, जब भी हम एक जैसे महामंत्र की बात करें, चाहे वो शिव जी का महामंत्र है, किसी का भी महामंत्र है, एक महामंत्र में हम कभी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. Like you know, we can't talk about Lord Ramchandra and Krishna. We can talk only about Krishna. अगर आप शिव जी का कोई भी मंत्र करें उसमें आपको पूरे इसमें शिव जी ही मिलेंगे. आप गायत्री मंत्र करें उसमें आपको सिर्फ जो भी उनका रिलेटेड डेमी गॉड है, जो भी माता है, दैट वी विल फाइंड आउट. सिमिलरली इवन इन हरे कृष्ण महामंत्र, कोई बोलते हैं कि बलराम भी है, वो राम है, कोई बोलते हैं रामचंद्र भी है, बट एक्चुअल में इफ यू सी संस्कृत, जब हम संस्कृत रूल्स के हिसाब से एक महामंत्र में सिर्फ एक ही भगवान का हम स्तुति कर सकते हैं, लाइक दैट. सो एक्चुअली व्हाट वी आर सेइंग इन हरे कृष्ण महामंत्र इज
मैं यू नो ऑल दी एनर्जीज आई एम प्रेइंग टू ऑल दी एनर्जीज एंड टू कृष्णा योरसेल्फ कि आप मुझे जो है आपके डिवोशनल सर्विस में एंगेज कीजिए. ओके अगेन एंड अगेन यू एंगेज मी इन योर सर्विसेज तो सो दैट मेरा प्योरिफिकेशन होके मैं आप तक पहुंच सकूं. ये मीनिंग होता है हरे कृष्णा महामंत्र का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माता जी? सो यस पीपल टेल दैट इज राम एंड बलराम आल्सो दे विल टेल बट एक्चुअल में वी कैन हैव ओनली वन लॉर्ड्स नेम इन वन महामंत्र. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यस ओके सो देयर इज वन मोर चैट में आया है बीड्स आर मेड ऑफ तुलसी बीड्स. ओके सो पम्मी जयंती माता जी का ये था. सो एक्चुअली जैसे ये बीड है नाउ आई एम एट अ बिगिनर लेवल. Okay, so these beads, what you see, they may look as tulsi, but these are not tulsi beads. जब हम beginner level पे stage पे होते हैं तो हमको बेल या फिर नीम के इस पे करना पड़ता है chanting. We are not that elevated कि हम लोग जो है तुलसी beads पे chanting कर सके because तुलसी beads is very pure. Okay, तुलसी पे chanting कब होती है? जब हमारी दीक्षा हो जाती है. There is something called as an initiation process जो हमको after marriage, before marriage कर सकते हैं. Okay, so initiation process के बाद हमको तुलसी beads मिलते हैं हमारे जो दीक्षा गुरु है उनसे हमको तुलसी बीड्स मिलती है. गायत्री मंत्र चैंट किया जाता है उसके बाद हम उन तुलसी बीड्स पे चैंट कर सकते हैं. दिस इज लाइक दैट. यस एनी अदर क्वेश्चन? अनम्यूट करके बोल सकते हैं. सो फार आई हैव नॉट सीइंग एनीवन. ओके अंकिता माता जी का क्वेश्चन है. दीपाली माता जी हु वांट्स टू गो फर्स्ट हैंड रेस कीजिए. ओके अंकिता दीपाली माता जी बोल रहे कि आप कर लीजिए. सो अंकिता माता जी प्लीज. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट राधा रानी एंड ऑल गोप सखियाज वर प्योर डिवोटीज. दे यूज्ड टू लव लॉर्ड श्री कृष्ण वेरी मच एंड nowadays what we see that the meaning of this love and obsession is people are very much confused about this thing. So when we are loving the supreme lord and when we are getting obsessed with him is there any difference or we can differentiate between them or it's like it's very very good question mataji. So mataji ka question ye hai ki jaise hum radha rani ji aur गोप सखा गोपीज की बात करते हैं सो उनका जो प्रगाढ़ प्रेम था श्री कृष्ण के लिए वो हम आजकल के रेट पे जो देखते हैं प्रेम दैट इज वेरी डिफरेंट. सो इज दैट लव और इज देयर एनीथिंग एल्स? यही उनका क्वेश्चन है राइट. सो इज देयर अ डिफरेंस शी इज आस्किंग. सो यस देयर इज अ डिफरेंस. मैंने लेक्चर में हां जी आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन द क्वेश्चन. तो मतलब आप जब समझाएंगे तो उसमें ये भी ऐड करेंगे कि वो लव है कि मोह है फिर. आपको बताती हूँ श्री प्रभुपाद ने बोला कि मटीरियल वर्ल्ड में जब हम देखते हैं जो हम सो कॉल्ड लव सोचते हैं दैट इज नॉट लव दैट इज लस्ट. क्योंकि लव कभी हमने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है इन दिस भौतिक जगत. इट इज ऑल लस्ट. यू सी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी होता है जो मदर एंड बच्चे के इसमें दैट इज आल्सो समवेयर समवेयर लाइक यहाँ पे तीन लाइन आ जाता है लस्ट का. बट इट इज हमारे ही इसके लिए राइट. लाइक दैट इज ए प्रेमी प्रेमिका आल्सो हृदय से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. सो दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट यू दैट इज वाई आई एम लविंग यू. ओके आई वॉन्ट यू ऐसे लाइक इट इज ऑन अ पर्सनल लेवल. इट इज नेवर ट्रू लव. जो हम सो कॉल्ड ट्रू लवर्स को रोल मॉडल समझते दैट इज नॉट लव. सो इट इज दैट इन भौतिक जगत देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लव. इट इज ऑल लस्ट. Right? So, Ankita Mataji, there is nothing called as love. And हमें एक चीज याद रखना चाहिए dear devotees, जो हम भगवान के साथ जब आदान प्रदान करते हैं, so that time we should remember our position. हम ना हमारा position भूल जाते हैं. हम भगवान कितने बड़े हैं भगवान. We are discussing in Bhagavad Gita, like no match. हम लोग इतने दूर हैं भगवान से, इतने insignificant, एक चिंगारी के जितना हमारा औकात है. That is our constitutional position. In rough language, it is औकात, but it is our constitutional position. Right? There we are. Right? और हम लोग क्या बोलते हैं? When we are saying, oh, मेरा लड्डू गोपाल, look at him, he's so cute. That, please, we should not do that. Right? हमारा everywhere there is a mood how we should serve it. ये जो mood है, वात्सल्य भाव, parental जो love है, ये यशोदा मैया का. Right? She can do that. Krishna will be happy like that. यशोदा मैया, parental love. हम लोग क्यों पेरेंटल लव बन रहे हैं राइट. सो बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट ही इज गॉड. दो हम जो है वो इनडायरेक्टली उनको बोलते कि अरे आप जो है कृष्णा है राइट. लाइक दैट वी शुड नॉट नेवर सर्व कृष्णा लाइक दैट. हमारा वो पोजीशन नहीं है. हमारा पोजीशन दास्य भाव.
ओके दास, इसलिए आप देखिए जब भी इस्कॉन में किसी का इनिशिएशन होता है दास और दासी लगता है उनके नाम में, राइट? लाइक यू सी एनी अदर एनी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, जब जिसका भी इनिशिएशन रहता है दास लगता है पीछे, राइट? लाइक यू से माय शिक्षा गुरु हिज ग्रेस महासिंह दास, राइट? हिज ग्रेस गीता भक्ति माता जी, साधना भक्ति माता जी, देवीदासी, मतलब साधना भक्ति देवीदासी, ऐसे आता है उनका नाम, रेवती देवीदासी, लाइक वी हैव सम ऑफ द डिवोटीज लाइक दैट. ओके, तो इसे दासी दासी दास क्यों लगता है? टू रिमेम्बर, कि हमको याद रखना चाहिए हमारा भविष्य. सो वी शुड ऑलवेज व्हेनेवर वी अप्रेंट टू कृष्णा वी शुड नॉट हैव दैट एक्सचेंज इन वात्सल्य भाव. ओके, वात्सल्य भाव में हमको नहीं करना है कि यू नो आप तो मेरे दोस्त है, फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन नहीं करना है. ओके, इट्स ओके अगर कृष्णा वी विल गेट अ टाइम दैट वी विल डू इट, बट सो फार वी शुड ओनली बी हाथ जोड़ के विनम्र भाव से. यू सी अर्जुना जब वो फ्रेंड थे देन ही वाज ओके, जब उनको पोजीशन समझ में आ गया ही नेवर कंसीडर्ड हिम एज अ फ्रेंड. बोल सकते थे ना, जैसे हम लोग वो मित्र जब थे तो हम लोग ऐसे यू नो वी डू इट, वी टैग देम, वी टीज देम, ऐसे वो कर सकते थे जब भगवान को शिक्षा दे रहे थे. बट द मोमेंट ही सरेंडर्ड ही नेवर अगेन शोड हिज फ्रेंडली नेचर टू कृष्णा. इससे हमको ये बहुत biggest lesson है from Bhagavad Gita that we should never serve Krishna like that. That we should only serve him as you know, as our father, like submissively humko serve karna hai. So don't, please don't do ki mere lalla hai, all that, like that is what's all about. Stories discuss karne ke time mein we can do that because we're expressing Yashoda Maya's emotions that time. We are not representing ourselves. Right? So मेरे लड्डू गोपाल है, मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे लड्डू गोपाल को वो मतलब छाती से लगा रहे हैं, so much duplication, right? So all that is not needed. Is भगवान, we're talking about भगवान. Okay, so we should remember our position unke saath. Krishna will be very pleased jab hum apna position yaad rakhte hain. Okay, so that is very, this is very important. That's why maine isko detail mein liya hai. Yes, any other question kisi ka? So I hope Ankita Mataji that answers your question. Agar aapko kuch add on karna hai. So there is nothing called as true love. Humne experience nahi kiya hai ab tak. Chahe aapko, aapke saath koi bhi hai jo aapko bahut prem karta hai, but kahin na kahin that is on a sense gratification level only. Because this is material world. So material world is a reflection of spiritual world. Aisa bolte hain. Jo material world hai, jo bhi spiritual love mein pure stage mein, that is the reflection. So wahan pe agar, yahan pe agar temporary, you see dear devotees, agar koi cheez temporary hai, to uska permanent cheez bhi hoga na. Very, very easy. राइट, टेम्पररी हम कब बोल सकते हैं? जब हमको पता है कि कोई चीज परमानेंट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, राइट? सो व्हेन वी आर सेइंग दिस दैट टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट मींस देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बॉडी टेम्पररी है, ऐसा शरीर है जो परमानेंट है, राइट? अस्तित्व कब आता है? झूठ का, जब हमको सच मालूम रहता है, राइट? सो दैट वी ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि टेम्पररी बॉडी है तो स्पिरिचुअल बॉडीज परमानेंट होती है. सो व्हेन एवर यू गो टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, जब हम पहुंचेंगे तो हमको ये शरीर नहीं मिलता, वी गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी उसके लिए, लाइक दैट. Okay, so yes, any other question? हाँ, दीपाली माता जी का question था. Yes, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, I have a doubt or question, I don't understand, but I just reflect, just keep in my mind. Yes. What is the Shakti for Supreme? Means even if we do, just take a book and just keep it one side, we need some energy to do that. What is the energy behind Krishna, the Supreme, or if we say, when the world was not created, Shiv or Krishna, whoever was the one, and for that, for creation also, he needs Shakti. So we always see for Shakti as a female person, a female deity or female one who has created, given the energy to other people in order to create something. Okay, so your question is, where are we getting this energy from that you're asking? What is it? Your question is not clear. Kisi ko, aap koi help karna chahenge in the question samajhne mein? Did anyone understand? Not so far. Can you repeat your question more precisely, Mataji? Mataji, my question or doubt, I don't understand. It's okay. We need clarification, so we will take it. So just I wanted to know that when we say about the Supreme, so we always take Krishna. So when we tell Krishna, then what is the energy of Krishna? We always take Radha Rani or Yog Maya as the Shakti. And even if for the creation of the world, whoever created the world, there were Brahma, Shiv, and Krishna, the Supreme. So yes, whatever energy we taken, it was the Shakti that we represent for the female thing, like the Shakti, like Adi Shakti, or was the energy within themselves that they created the whole world. Yes. So Mataji, yes, thank you so much for the question. Actually, Mataji bol raha hai ki jo is
जैसे हम बात करें कि कृष्ण की एनर्जी ब्रह्मा जी है एंड राधा रानी है एवरीथिंग, ऐसे कृष्ण की एनर्जी कौन है? कृष्ण की एनर्जी सिर्फ कृष्ण है. ओके, व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अ सब सोर्स, यू सी, ही इज अ मेन सोर्स. एनर्जी कब आती है? एनर्जी इज विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. द सोर्स डज नॉट हैव एन एनर्जी. अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर कृष्ण किसी से आए हैं तो वो कृष्ण से ही आए हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिम. Like that, okay. So it is coming from Krishna. So if Krishna has an energy, that again will be Krishna only. Okay. So it is very, very difficult to understand, but this is the logic. And because he is the main source, everything will come from him. Okay. Thank you, ma'am. So this is our electricity board. होता है ना नीचे meter चलता है. You see, it does not require an energy. It is there. वहाँ से हमको electricity जो है आता है सारे rooms में. Right? That energy is all there in one fixing an electric board. So that electric board is Krishna. Like that. अगर आप अटैच भी है और आप भक्ति करना चाहते हैं, एक्चुअली कृष्णा बोल दिया उन्होंने कि अगर आप अटैच है तो आप एलिजिबल नहीं है. एक्चुअली यू सी ही हैज मेड इट क्लियर. सो इफ यू आर अटैच यू कैन डू भक्ति, बट आपका फॉल डाउन बहुत जल्दी हो जाएगा. लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for you to continue in bhakti. Okay, so jaise you know there was one devotee, Shri Prabhupada ke ek foreign devotee the, wo bahut acche devotee the, wo bahut time wo mangal aarti starts at 4 o'clock, 5 o'clock, depending on the temple. 4 to 5 ke beech mein hota hai. Kya kisi sab Vrindavan ki baat kare to 4 o'clock mangal aartis hote. So now there was this foreign devotee jo mangal aartis pe aate the, bahut acche devotee the, bahut saal unhone Shri Prabhupada ko serve kiya. Achanak se jo hai, because unke man mein ichha aayi thi, wo आना बंद कर दिया उन्होंने टेम्पल पे. तो प्रभुपाद परेशान हो गए कि कहाँ गए ये डिसाइपल, इतने अच्छे डिसाइपल है, मंगल आरती इस पे नहीं आ रहे, व्हाट इज द इशू. ये वो देखा तो वो है ही नहीं, ढूंढा नहीं मिला. एंड उन्होंने बोला कि आई वांट टू गो, ना मिले थे एक दिन, एंड देन ही सेड कृष्ण प्रभुपाद आई वांट टू गो मटीरियल वर्ल्ड में, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट. राइट, देन उन्होंने वार्निंग दिया था उनको कि आप मत जाइए, श्रील प्रभुपाद आचार्य ही टोल्ड, तो उनको मान लेना चाहिए था, बट नहीं माने. वो बोले कि नहीं नहीं, आई विल कम बैक. Okay, he went and he never came back. Okay? बाद में बहुत सालों के बाद वो जो है किसी बीच में किसी लड़कियों के साथ ऐसे स्विमिंग करते हुए, सर्फिंग करते हुए वो मिले. So this is how powerful Maya is. You see, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु ऐसे डाउनफॉल हो जाता है, never came back. You think उसका जो लाइफ है उसमें लास्ट में वो इतना सर्व करेंगे और कृष्ण को याद करेंगे? नहीं करेंगे. He's completely into sense enjoyment. So वो उसमें रहते. So it is with attachment it is not possible. But जैसे आप बोल रहे हैं ना कि अटैचमेंट के साथ भक्ति करेंगे तो आपको अटैचमेंट छूट जाएगा, भक्ति नहीं छूटेगा. इफ यू आर सीरियस, सो अटैचमेंट छोड़ना भक्ति का एक प्रोसेस है. राइट, वी डोंट हैव टू लाइक फोर्सफुली डू इट. लाइक सपोज कोई नॉन वेज ईटर है, वी डोंट हैव टू फोर्सफुली डू इट. आप नॉन वेज खाइए, आप चैंटिंग भी कीजिए, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. आप चैंटिंग इज सो प्योरिफिकेटरी दैट नॉन वेज ऐसे छूट जाएगा. डोंट डू इट कि हाँ मुझे जबरदस्ती करना और फिर चैंटिंग के टाइम पे चिकन याद आ रहा. नहीं, नॉट नीडेड. यू डू योर थिंग, जब आपको जो है रियलाइजेशन हो जाएगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली लीव इट. सो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप अटैचमेंट से दूर अपने आप हो जाते हैं. दैट इज व्हाई वी सेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट इमोशनल थिंग. डू दिस माला, यू विल ऑटोमेटिकली सी द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट? इज इट लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग, गुड और बैड? यस. शुड वन नॉट फील एनीथिंग, और What exactly is detachment? जैसे हमने बात किया था ना differences में impersonal और personalism. Personalism क्या करते हैं? Sense control नहीं करते. मतलब वो ऐसा नहीं है कि you know दूर रहना है. जैसे Swiggy को हटा दिया. They know that if I have Swiggy, I have to order it for Krishna. If I'm ordering something, I'll put it as bhoga. So dovetailing is detachment. Detachment मतलब ऐसा नहीं कि that's why we said बहुत अमीर आप हो सकते. You have BMW, you have Ford, you have everything, right? But you are not attached. You have everything, but you know that it is coming for Krishna. When you remember Krishna and you still have everything, then that is detachment. Okay, detachment is you are not attached to the material thing. You know the source where it is coming from. Okay, so आपके पास सब कुछ है. Okay, but you are not attached. आप proprietorship की बात नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा है. जहाँ पे मैं आपने use कर दिया, then it is even. I am talking at emotional level. Okay, can you give me one example? महाभारत में भी जब मान लीजिए कि ऐसे बोलते हैं कि महाभारत में जब भी किसी का वध हुआ, जब अभिमन्यु का वध हुआ, तो कृष्ण फेल दैट पेन. तो ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि किसी की भी लाइफ में मान लीजिए कुछ भी हो रहा है,
loss of anything life. Good, okay. Anything good or bad. तो उस चीज को लेकर मतलब कोई भी इमोशनल लेवल पे कुछ फील करना इज इट डिटैचमेंट और इट इज साइन ऑफ अटैचमेंट. सो देखिए इमोशनल रहना ह्यूमन बीइंग का नेचर है. ओके सो इमोशनल होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टेकिंग. ऑब्वियसली अगर किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है डेफिनेटली अगर कोई इंसान आपको बहुत प्यारा है वो आपको लेट्स से नॉट डेथ बट अदरवाइज भी आपको छोड़ के जा रहा है. Right? Then also it is like your feeling for that person. Okay, uska wo nature hai. Because we are in this body, you know, then humko wo emotion aata hai. But till how long are you staying in that emotion is the question. Right? Agar aapki philosophy is strong hai, aap bhakti mein strong hai, then you will know that whatever is happening, it is for my good. Koi humne bola. Kuch cheeze jab humare saath hoti hai, humko nahi samajh mein aata hai that he is the wrong partner who has left me. Right? बहुत बाद में जब हमको इससे बेटर पार्टनर मिलता है और हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है और इस पर्सन की लाइफ हम देखते हैं कि इज नॉट गुड, बहुत बदल चुका है वो. राइट, दैट टाइम वी रियलाइज कि अच्छा हुआ मैंने इससे जो है मैं गया नहीं था इसके पास. यू सी लेटर वी रियलाइज. सो व्हाट एवर हैपेंस प्रभु इट इज फॉर आवर गुड. कृष्णा इज नेवर पार्शियल, ही विल ऑलवेज डू फॉर आवर गुड. एंड इमोशनल होना इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. जैसे अभिमन्यु का जब डेथ हुआ अर्जुन ऑल्सो क्राइड. राइट, so he also cried that mera bachcha ka death ho gaya. But what did he do later? He stood up and he fought, right? Because he wanted to do his karma, kartavya unka nibhana. So it is emotional, it is okay. But rona bhi, roke bhi aap detached reh sakte hain. Aap roiye koi problem nahi. You can be crying and you can still be detached. It is not a sign of attachment all the time, right? Attachment kab jab aap rone ke baad atak gaye usi pe. Devdas ban gaye, then it is an attachment. But what is your next step? That will decide whether you are attached or detached. Okay? I hope that answers your question. So we'll end the class here. Agar koi question hota hai, we will take it in the next class. It is 8:48. So thank you so much. Muskan Sharma Mataji, aap hai class mein. Okay, there is one question. Hare Satish Prabhuji ka, who made the world? Lord Shiva or Lord Krishna? Kaun batayenge? Devotees answer karenge is question ko. Unmute karke bataiye. Who made the world? Lord Krishna or Lord Shiva? Lord Krishna. Yes. Lord Krishna. Yes, Lord Krishna. Yes. I hope that answers your question, Satish Prabhu. So Bhagavad Gita, we have started only with that. So I hope that answers your question. So thank you so much. Hare Krishna. Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyai Vacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्त वृंद की जय. श्रीमद भगवद गीता की जय. गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू डियर डिवोटीज. हरे कृष्णा. धन्य प्रणाम टू ऑल. विल सी यू टुमारो. यस, आई विल एंड द क्लास. हरे कृष्णा.